स्वागत है सभी लोगों का। आज नमस्ते सर। बताइए। नमस्ते जी। स्टेटस अभी बैक पेन का तो है। आपने संडे को 3 बजे से मेरे को वाटर फास्ट कराया था, तो मंडे मॉर्निंग को कोई रिलीफ नहीं मिला था। तो मंडे को मैंने बात की थी तो आपने कहा था कि ट्यूसडे मॉर्निंग तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। तो मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग तक कंटिन्यू किया था। तो जब ट्यूसडे मॉर्निंग को कल सुबह उठा था सो के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बैक पेन मतलब एकदम भी नहीं था। और लेकिन फिर ऑफिस जाना था, तो आपने कहा था कोकोनट वाटर से ब्रेक करके नॉर्मल दिन रखना। तो फिर जैसे ही सुबह 9 साढ़े 9 बजे कोकोनट वाटर पिया, और पीते ही बैक पेन फिर चालू हो गया। और फिर तो कि दिन में रहना था तो अपना बाबू मोशाय और ये सब फ्रूट्स कंटिन्यू किया था, और आज भी है बैक पेन मतलब। ठीक है, वो धीरे धीरे जाएगा। स्टिफनेस तो कुछ कम हो गई होगी ना बैक की। नहीं, 19-20 कम है मतलब। स्टिफनेस नहीं थी एग्जैक्टली, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेल बोन नर्व को कंप्रेस कर रहा है ना, तो वो पेन कर रहा है। तो वो कंप्रेशन थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो थोड़ा मतलब है 19-20 पेन में रिलीफ। तो लेकिन वही है कि ऑफिस डेली जाना है तो वाटर फास्ट पे तो रह नहीं सकता। या तो संडे संडे वाटर फास्ट रखो, कुछ उस टाइप का करो। क्या होता है ऑफिस में भी अपनी सीटिंग वेटिंग थोड़ी चेंज करती है। सीटिंग मतलब लकड़ी की कुर्सी पे बैठो। खड़े होके देखो आप 2 घंटे, 1-2 घंटे उसमें खड़े ही रहोगे। कंप्यूटर की पोजीशन ऐसी बनाओ कि खड़े होके भी काम कर सको, अच्छा, क्योंकि वो ठीक आप है। 7-8 घंटे बैठते हो ना, वो भी बॉडी के लिए डैमेज करते हैं। अच्छा, ठीक है। या उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए जो है 5 मिनट घूम के आ जाओ। 5 मिनट घूम के आ जाओ, स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लें, उस टाइप का कुछ। बैठे मत रहो लगातार, अच्छा, इससे थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है। तो मतलब ये पेन अपना धीरे धीरे ही जाएगा, जितना ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे। जाएगा, क्योंकि एग्रेसिवली करने का आपके पास टाइम भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। जी। धीरे धीरे जाएगा। और संडे संडे वाटर फास्ट करूं कि वो सैटरडे को आपको रिपोर्ट दूंगा, आप जैसा बताएंगे तब संडे। हाँ ठीक है, बताओ जाना। अच्छा, एक और एक जनरल कंसेप्ट पूछना था, अगर है टाइम तो। हाँ, ये पूछना था, जैसे कि साथ में मेरे आईबीएस भी है, तो मेन तो प्रॉब्लम आईबीएस था जिसके लिए फूड डाइट चालू किया था। ये बैक पेन तो अभी बीच में हो गया अचानक से इंटेंस। तो जस्ट मैं एक पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें लिखा था कि आईबीएस का कई बार रीजन होता है गट माइक्रोबायम ऊपर नीचे होने के लिए, कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया ऐसे करके लाइक दैट। तो उसमें उस आर्टिकल में एक सोल्यूशन ये था कि प्रोबायोटिक चीजें खाने के लिए, जैसे फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हो गए जो मतलब उसके लिए। तो आपका जैसे पॉइंट रहता है, मतलब मैं किस एस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ कि कई बार आप क्या कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं। जैसे किसी को, मुझे याद है ग्रुप में एसिडिटी हो रही थी, तो आपने बोला था कि भाई स्पिनच ले लो, पालक ले लो, क्योंकि वो बहुत एल्कलाइन होता है, तो एक बार रिलीफ दे देगा, उसके बाद वापस नॉर्मल फूड डाइट में आ जाना। तो इसके लिए कुछ ऐसा आपने कुछ स्टडी की है या कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी बेनिफिट मिल जाए, फिर फ्रूट्स कंटिन्यू करें, कि वो मतलब सब मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, वो नहीं सही है या कुछ। सर मैं भी मानता था पहले कि हमें प्रोबायोटिक खाने चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी जो है, एक थ्योरी ये है कि भाई हमने एंटीबायोटिक खाए और हमारा गुड बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो गया और गट फ्लोरा हमारा डिस्टर्ब हो गया। एक थ्योरी ये है कि हम चूंकि गलत खा ही रहे थे, तो हमारी बॉडी अंदर से प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए
जो हमारे सेल्स हैं उन्होंने ही अपना जो स्वरूप है वो चेंज किया है, वो ही बैड बैक्टीरिया बन गए, वो ही वायरस बन गए, जिससे कि आप वो चीज नहीं खा पाए जो गलत खा रहे थे, और हीलिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं या डिटॉक्स हो आप। यदि ऐसा नहीं होता, आपको आईबीएस नहीं होता, तो जो भी आप गलत खा रहे थे वो आप कंटिन्यू करते, तो वो कहीं ना कहीं से एक चेक पॉइंट आपका बना है आईबीएस, कि अब आपको ये सब नहीं खाना है। तो जब हम ये सब नहीं खाएंगे जो हम गलत खा रहे हैं, तो वो धीरे 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 जो बॉडी ने ये गट फ्लोरा बनाया है, तो वो बॉडी उसको फिर से मेंटेन कर ले विदाउट एनी प्रोबायोटिक, बिकॉज प्रोबायोटिक नेचुरल नहीं है खाना, जिस तरीके से एंटीबायोटिक खाना नेचुरल नहीं है, इसी प्रोबायोटिक खाना भी नेचुरल नहीं है। मैं समझा आपका जो मतलब डीप लेवल में आप क्या कहना, कंसेप्ट क्या है वो समझ गया मैं, बेसिकली आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो प्रिंसिपल ही अलग है और अपने जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ही अलग है बेसिकली। जी, और एक चीज मुझे ये पूछना था, ये साइकोलॉजी का हेल्थ पे कितना इफेक्ट है? क्योंकि जैसे कि वैसे देखा जाए तो अपने लोग एक शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन है, और जो अगर मशीन में गलत फ्यूल डालेंगे, एक्टिवा में पेट्रोल की जगह डीजल डालेंगे तो एक्टिवा सही चाहे, इंजन तो डैमेज होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज हो रही है, मैं विचार जैसे कि एक आर्टिकल मैंने और पढ़ा था कि किसी को कैंसर था और उनको जो है वो रेडिएशन या क्या देते हैं वो उसमें रखा गया, तो उसमें कुछ लोगों को रेडिएशन मतलब से बोला गया रेडिएशन में रख रहे हैं, लेकिन रखा नहीं गया, सिर्फ उनको ऐसा मेंटली बताया कि आपको रख रहे हैं, और उसमें ही स्टडी थी कि उसमें कि लोगों के बाल उड़ गए, एक्चुअली रखा नहीं था रेडिएशन में, लेकिन फिर भी उनको ऐसा बता दिया साइकोलॉजिकल लेवल पे और उनके बाल बाल उड़ गए लाइक दैट। तो ये जस्ट मैं सोच रहा था हेल्थ पे साइकोलॉजी का कितना इफेक्ट है या कितना नहीं, कि बस मशीन है जो खाएंगे उसी से हेल्थ सही रहेगी या नहीं रहेगी, जस्ट इसका मैं कुछ फीडबैक अगर आप दे सकते हैं तो। हमारे सोच से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे यदि हम ये सोच लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे और ठीक हो रहे हैं, वो हमारी प्रोसेस को, ठीक होने की प्रोसेस हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि तो यहाँ पे जितने भी लोग बिल्कुल 100% ये सोच के आते हैं कि बिल्कुल हम तो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ओके है और हम ठीक हो रहे हैं, तो उन लोगों में हीलिंग अपन देखते हैं कि ज्यादा बेटर है। आप अपने घर में देख लो, ऋतु जी उतना सा विश्वास नहीं कर पाती हैं, तो वो फेल, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं फेल होने के। और विनोद जी आप देखो 100% कहते हैं कि भाई मेरे को तो ट्रस्ट है, वो 100 बार कहते हैं तो ट्रस्ट है, तो वो उनकी जर्नी ज्यादा स्मूथ है, जबकि उनकी प्रॉब्लम ज्यादा थी। नहीं, लेकिन मैं इसमें एक इनपुट दूंगा, जैसे कि अब क्या होता है, जैसे कि आपने मेरी वाइफ का बोला तो उनका क्या है कि जैसे ट्रस्ट कम है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, जैसे नल का पानी पी रही है लेकिन कहीं आरओ का पानी आ गया तो आरओ का भी पी लिया, क्योंकि तो उनको क्या यार इतना क्या है लाइक दैट। तो वो मैं बोलूंगा क्योंकि ट्रस्ट नहीं है तो एकदम उन्होंने 100% फॉलो नहीं किया, मे बी 99% किया, 98% किया, इसीलिए मे बी उनको रिजल्ट में देरी मिल रही है। विनोद जी को 100% ट्रस्ट है, उन्होंने 100% फॉलो किया, लेकिन अभी तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ, बात फॉलो किया या नहीं किया, बस मेंटल लेवल में ही सोचा कोई चीज, उसका इफेक्ट आ रहा है बॉडी में क्या। फर्क पड़ता है, सोचने से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम हजारों सालों से पत्थर की मूर्ति को भगवान मान के सोच रहे हैं और वो लोगों को फल दे ही रही है, तो जी, सोचने से फर्क तो पड़ता ही। तो मतलब आपका कहना है कि डाइट लेवल पे तो अपने वर्क कर रहे हैं लेकिन मेंटल लेवल पे भी अपने को वर्क करना चाहिए। मेंटल लेवल पे जैसे ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी डाइट भी अपन चेंज कर देते हैं, लेकिन यदि उनके दिमाग में कोई टेंशन रह गया है, कोई विचार है जो परेशान कर रहा है, तो उनकी हीलिंग हो नहीं पाती। जैसे यदि आपको कोई ना कोई किसी भी बात का टेंशन आप पकड़े बैठे हुए, तो वो हीलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम करेगा। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि मुट्ठी को खुला छोड़ दो,
करने नहीं, मुट्ठी को खुला छोड़ दे मतलब? मतलब चीजों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अच्छा जबकि वो कंट्रोल होती नहीं, जैसे कि मान है। लीजिए कोई, हमें टेंशन इसी बात की होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता हाँ है ना। यदि हम ये सोच लें कि ठीक है जो हो रहा है वो ठीक है, नहीं, जैसे कोविड पीरियड आया, अब मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, अब वो इस बात की टेंशन लेके बैठा हुआ है, ठीक है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है भाई, कोविड टाइम है, इकोनॉमी का क्या है भाई, फाइनेंसेस, ये वो, जॉब, करियर, व्हाटएवर। अब देखा जाए तो हाथ में तो है नहीं कुछ, ये सबको पता है हाथ में है नहीं, कोविड है तो है, मतलब मार्केट की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है तो है, वो सभी के लिए, लेकिन कोई इस बात की टेंशन लेके बैठा है, कोई नहीं लेके बैठा है, लाइक दैट। तो उस, टेंशन लेने से कुछ हो तो नहीं रहा ना उसका भला। आप उसको, हाँ नहीं, ये बात सब, आप दिन हाँ रात सोच रहे हो कि मुझे दिक्कत है या मैं, मुझे जॉब नहीं है जी ना। तो नेचर इस तरीके से डिसाइड है, मतलब बनाई गई है नेचर कि हर आदमी को जॉब करने की आवश्यकता है। ये सब चीजें हमने ही बनाई है कि जॉब करने की आवश्यकता है, मकान बनाना है, ईंटें बनानी है, सीमेंट बनाना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, ऐसा कुछ करने को तो था ही नहीं। कुछ करने ही नहीं था ना, मकान बनाना था ना, ईंटें बनानी थी ना, झाड़ू लगानी थी, सब जी चीजें ऑटो क्लीन थी जी ना, टॉयलेट बनाने थे, कुछ भी नहीं करना। जी आप जो निकाल रहे हो खाद बन रही है, वो जो खा रहे हो वो खा लो, उसके लिए कुछ करने ही नहीं है। तो ये हमने बनाया है सब, और हमें उसको भुगत रहे हैं और परेशान, और उसके बावजूद भी परेशान होने से कुछ हो नहीं रहा। हमारे सोचने से जॉब तो मिल नहीं जाएगी ना, तो उसको छोड़ देने से अच्छा है कि ठीक है, यदि आप पानी पी के यदि 1 महीना रह सकते हो, आपने देख लिया उसका रिजल्ट, आप जॉब कर रहे हो तो आपके बैक में पेन हो रहा है, यदि आप घर पे बैठ के पानी पी रहे थे दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ठीक हो रहे थे, तो आपने जॉब करके क्या पा लिया? दर्द ही तो पा लिया और कुछ नहीं पा। तो दैट इज इल्यूजन। आप अभी दर्द में हो, किसी को अटैक आ रहे हैं, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है, आपको उतना कुछ नहीं हो रहा, इसलिए आप के लिए ये है कि भाई कुछ नहीं। अब जो मरी गया जॉब करते करते, उससे पूछो कि भाई कमाने 25,000 थे, जान ही चली गई, कंपनी ने इतना लोड डाल दिया कि ये टारगेट करना है, वो टारगेट करना है, नहीं तो जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, निपट गया आदमी को अटैक आ गया। तो ये सब करने की जरूरत तो नहीं थी ना, ये तो हमने खुद जो है गुलामी अपने लिए बनाई है, स्लेवरी सिस्टम हमने अपने लिए क्रिएट किया। आदमी ढूंढता है जॉब करने के लिए, दैट इज मॉडर्न स्लेव। स्लेवरी में ये है कि भाई आपको 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम करना है और बाकी अपने घर पे जाओ, खाना खा के फिर सुबह दोबारा। पहले जो स्लेव होते थे वो ये था कि भैया हम घर भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड स्लेवरी हो गया, एंड वी लाइक इट, नहीं, समझ, ठीक है, ओके, धन्यवाद। पंकज कुशवाहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं फ्रूट डाइट ले रहा हूँ, जैसा कि मुझे आज 9th डे है, और मैं कम क्वांटिटी ले रहा था 1-2 दिन, तो मुझे वीकनेस हुई तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर वीकनेस मेरी कम हुई, लेकिन मुझे बैक पेन अक्सर रहता है, कभी कभी दिन में बैक पेन होने लगता है, जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ, क्लास जाता हूँ अपनी, तो मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर मुझे डाइट लेनी पड़ती है, फ्रूट आके मतलब लेने ही पड़ते हैं कहीं बाहर से, और मतलब खाना खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है मेरा। कि आपने 8 दिन से कुछ भी फ्रूट के अलावा नहीं खाया है,
नहीं, मैंने बीच में थोड़ा खा लिया था, थोड़े से मैंने राइस खा लिए थे बीच में, एक दो दिन, आपका बहुत ज्यादा सोचना, देखो कंट्रोल। आपका सोचना ये है कि फ्रूट खाने से आपको बैक पेन होता नहीं, फ्रूट खाने से नहीं, मैं मतलब रीजन पूछ रहा हूँ कि ऐसा बैक पेन का क्या प्रॉब्लम। है? बैक पेन आपको कब से हो रहा है? ये मुझे जब से वीकनेस हुई है तब से ही हो रहा है, और उससे पहले भी था थोड़ा वीकनेस कब से हुई है? सा। ये मुझे स्टार्टिंग में ही, जब मैं फ्रूट डाइट स्टार्ट की थी तो मुझे 2-3 दिन तक वीकनेस रही थी, कुछ ज्यादा ही रही। देखो और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो बॉडी में एनर्जी जो आती है उसके लिए डाइजेशन मोड पे नहीं जाना पड़ता, तो बॉडी के पास बहुत सारा टाइम होता है हीलिंग करने के लिए। यदि हम दाल चावल खाते हैं तो बॉडी को बहुत सारा टाइम तक उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसका ग्लूकोज बनता है, उसके बाद अपन उस एनर्जी को यूज करते हैं। उसकी जगह यदि हम आम खाते हैं तो सीधे हमको एनर्जी मिल जाती है, उसको डाइजेशन मोड पे नहीं जाना पड़ता। डाइजेशन मोड पे नहीं जाएगी बॉडी तो हीलिंग मोड पे जाएगी, हीलिंग मोड पे जाएगी तो जब अंदर कोई चीज हील होगी तो बाहर काम करने के लिए आपको वीकनेस दिखाई देगी, जी और जब अंदर कोई चीज हीलिंग होगी तो जो भी आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी मैनिफेस्ट होंगी, और पेन आपको ये बता रहा है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है। जी उस समय यदि आप रेस्ट कर लोगे तो वो आप परमानेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो आप सारा जीवन जो है बैक पेन हो रहा है बैक पेन नहीं हो रहा है यही सोचते रहे। जी ठीक है, सर, सर मुझे मेरी जो मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं तो मुझे मायोपिया है, मेरा जो राइट आई का नंबर है वो -1.5 है और लेफ्ट में 0.75 है, -0.75, तो उसका कुछ अगर हो सकता है ट्रीटमेंट। इसके लिए आप एक तो पढ़ते वक्त चश्मा मत लगाओ, जी मेरे हिसाब से आपका नंबर इतना कम है आप मत लगाओ चश्मा, तो आपका नंबर बढ़ेगा नहीं। नहीं जी तो ये आप यदि लगाते जाओगे तो ये हर साल आधा एक नंबर बढ़ता जाएगा। जी और जैसे मैं फोन पर काम करता हूँ या लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ तो उस टाइम भी। उसके लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, पास में रखते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है, चश्मा लगा के आप और ज्यादा आंखें जल्दी जल्दी खराब कर रहे। जो जी मायोपिया है उसमें दूर का कम दिखता है, पास का तो क्लियर दिखता जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। है। कोमल जी बताइए। हेलो, हाय सर। सो मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है और 2-3 सेशंस अटेंड किए हैं। मेरा मेन रीजन है स्कियाटिका। मुझे बहुत सिवियर बैक पेन रहा है लास्ट 2 years एंड आई वाज बेड रिडन फॉर लाइक 2 months 3 months, क्योंकि इतना गंदा पेन होता था। तो क्वेश्चन ये है कि फ्रूट डाइट इज दैट इनफ टू क्योर इट, या और भी कुछ एडिशनल किया जा सकता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ हीलिंग? एंड कोकोनट वाटर पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? फूड डाइट जो है जरूरी है साइटिका पेन का परमानेंट रिलीफ के लिए, और यदि थोड़े से योगा वगैरह भी आप करेंगे साथ में तो आपको बेटर रहेगा, यदि आप कर सकते हैं। ओके पर्टिकुलर पोज हम आपको बता देंगे। ओके नारियल पानी हमारे यहाँ फूड डाइट में आप ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और मैं जो फर्स्ट जिन्होंने अपना बैक पेन टेल बोन वाला इशू बताया था दैट इज एक्चुअली सियाटिका, और बैठने मतलब जो आप ये कह रहे थे कि लॉन्ग सिटिंग इज द रीजन व्हाई इट हैपेंड टू मी, एंड देर आर टाइम्स व्हेन
अगर मैंने ब्रेक लिया, मैं तीन तीन चार चार दिन अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लूं, ट्रैकिंग पे चले जाऊं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे बैक पेन नहीं होती है. बट अगर किसी दिन मैंने इंटेंस लैपटॉप पे काम कर लिया तो शाम में मेरी बैक की वाट लगी होती है. सो दैट इज द रीजन बेसिकली, इफ इट हेल्प्स. थैंक यू. दोनों चीजों से अच्छे से निकल चुका हूं, बैक पेन से भी और साइटिका से भी. हां जी, हां जी, ओके, थैंक यू. अपने जीवन का काफी वक्त इसमें निकाला. हां सर, काफी काफी बुरा एक्सपीरियंस था. मतलब डर गई हूं मैं उसके बाद. तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. साइटिका में ये बात ध्यान रखना कि अपने को आलती पालती मार के नहीं बैठना है, इस बात का विचार. ओके, मतलब फ्लोर पे ना बैठूं बेसिकली. नहीं, पांव बेंड करके नहीं बैठना. जो नस होती है अपने, जो दबती है ना, जो लेग के साइड में पेन होता है. हाँ, मतलब वो बैक, लोअर बैक से पूरे पैर में जाता है. जो पैर होता है उसकी साइड वाली नस में दर्द होता है साइटिका. नहीं, मेरा थोड़ा डिफरेंट है. मेरा लोअर बैक से टिल द नी जाता है. नी जाता है ना, तो किस साइड से जाता है? हाँ, ये मतलब पूरा लेफ्ट थाई और लेफ्ट नी, और शुरू होता है मिड लोअर बैक से. लेकिन साइड वाली नस जाती है ना. वैसे नहीं, साइड में नहीं होता है. साइटिका में साइड में ही होता है. अच्छा, साइड वाली नस जो है नीचे तक जाती है, वो एंकल तक जाती है. ठीक है, तो आप कह रहे हो कि चोकड़ी मार के नहीं बैठनी बेसिकली. हाँ, वो थोड़ा सा आपका दबा देती है, जैसे अपन पद्मासन लगाते हैं ना. हाँ हाँ हाँ, तो पद्मासन में कभी भी कोई नस दबती नहीं. ठीक है. लेकिन हाँ, तो सिंपल हाँ, आलती पालती मारती है ना, तो उसमें हाँ, जो है थाइस के नीचे की नस दबती है. ठीक ठीक है. तो पद्मासन होता है उसमें दोनों अपने एंकल जो है थाइस के ऊपर होते हैं, ऊपर आ जाते हैं. हाँ हाँ, करेक्ट. और जो नॉर्मल सुखासन होता है उसमें वो नीचे होते हैं, तो जो नीचे होता है एंकल, तब वो जो है नस को दबाता है. ठीक है ठीक है. वो डैमेज करता है. मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा आलती पालती मार के बैठती हूँ. इवन नॉर्मल चेयर पे भी मैं ऊपर होके बैठ जाती हूँ. तो ये थैंक यू, मतलब आई वाज नॉट अवेयर एट ऑल. ठीक की वजह से होता. ठीक है, आई विल टेक केयर. तो मैं आपको सेपरेटली रीच आउट करूँ वो आसन्स के लिए? नहीं, मैं इसमें डाल देता हूँ. साइटिका के लिए आप पिजन पोज है, ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, ये आप देख के गूगल पे कर ले. ठीक है ठीक है. ओके सर, थैंक यू. अमन, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मेरे को क्वेश्चन है एक. नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारे हैंड रेज. अच्छा ठीक है सर. अमन शर्मा. या हेलो सर, गुड आफ्टरनून. तो सर मेरा यानी मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ इसको. तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे 2015 से लाइक 7 साल से मुझे एक स्किन प्रॉब्लम है, अल्टीगेरिया, और मुझे एलर्जी रहती है. तो एलर्जी के कारण मेरे नाक में भी मुझे सर्दी बनी रहती है, और मेरे कान, मैंने नाक कान गले को भी दिखाया, तो कान में भी मेरा पर्दा थोड़ा सा, कान का पर्दा है, उसमें जो ऑस्टियन ट्यूब रहती है ना उसमें डिसफंक्शन होता है. कान का पर्दा भी मेरा कड़क रहता है, खिंचा हुआ रहता है, तो कान में भी आवाज आती है, और उसके कारण एलर्जी भी है. तो एलर्जी के कारण स्किन एलर्जी, मतलब अर्टिगेरिया, जिसमें हाइव्स बन जाती हैं. तो कोई
दिक्कत नहीं है, ये जो सिम्टम्स है ना आपके, ये डिटॉक्स सिम्टम्स है, बॉडी कुछ बाहर निकालना चाहती है। आप उसको बीमारी मान रहे हो, उसका इलाज कर रहे हो, वो बीमारी नहीं है। आपकी बॉडी बढ़िया से काम कर रही है और वो जो कर रही है उसको आप गलत मान रहे हो, तो उसको वो चीज करने में आपको गलत ना मान के उसको असिस्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको असिस्ट करोगे तब वो चीज आपकी कंप्लीट होगी। बॉडी वांट्स टू एक्सपेल टॉक्सिन्स, आप उसको बीमारी मान के उसमें और टॉक्सिन्स डाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन एंड इन टर्म्स ऑफ फूड, कंटिन्यूइंग द टॉक्सिक फूड। ठीक है, तो आपको टॉक्सिक फूड प्लस मेडिसिन स्टॉप करना है और जो डिटॉक्स सिम्टम्स हैं उनको वेलकम करना है, तो वो धीरे धीरे आपका डिटॉक्स कंप्लीट हो जाए। तो सर कैसे स्टार्ट करना होगा उसको? सबसे पहले आपको सब खाना बंद करके फ्रूट डाइट पे आना पड़ेगा। तो फ्रूट डाइट पे आने से क्या होगा, आपके जो टॉक्सिन इंटेक है वो खत्म हो जाए, तो बॉडी को केवल पुराना टॉक्सिक मैटर बाहर निकालना है। अभी क्या करना है, उसको दोनों बाहर निकालना है, पुराना भी नया भी, प्लस जो आपने मेडिसिन ली है वो भी, तो तीन चीजें हो गई। जब आप फूड डाइट पे आओगे, मेडिसिन बंद कर दोगे, तो केवल उसको पुराना मैटर बाहर निकालना रहता है, वो जल्दी निकाल पाएगी और मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको विद इन वीक दिखने लगेगा चेंजेस। और मेरा एक टेस्ट भी हुआ था, उसमें बताया था कि जो सीरम होता है ब्लड में ASST रहता है, तो वो सीरम से भी मुझे एलर्जी है, मतलब इसलिए मुझे ऑटो इम्यून एलर्जी रहती है हमेशा। एलर्जी का क्या मतलब होता है? एलर्जी का वही कि इम्यून सिस्टम किसी, आप ये मान के चलते हो कि जो आपकी बॉडी है जो इतनी इंटेलिजेंट है उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से बेवकूफ मानते हो, और आप ये मानते हो कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। मैं ये मानता हूं कि आपकी बॉडी परफेक्टली इंटेलिजेंट है, केवल आपको उसको असिस्ट करना है, वो जो करना चाहती है उसको करने दो। आपको विद इन ए वीक, अभी आपको इतने साल हो गए, 7 साल बता दो आप, 2015 से, जब आप 7 साल से भुगत रहे हो तो 7 दिन उसको चेक करो ना। जो काम 7 साल में नहीं हो पा रहा, 7 दिन में भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? फ्रूट खाने से क्या नुकसान हो सकता है? कोई लिखा हुआ है किताब में कि भाई केला खाने से ये नुकसान है, आम खाने से ये नुकसान है? यानी 7 साल का मतलब मेरा ऐसा था कि बीच में चली जाती थी, कोई 2-3 महीने कुछ नहीं होता था, कभी हो जाता था, तो चली जाती थी, वो आप सप्रेस कर देते हो उसे। जिस दिन वो चली जाएगी तो उस दिन दूसरे रूप में आएगी, फिर कैंसर बनेंगे, ट्यूमर बनेंगे, ये सब। तो अभी जब तक वो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए तैयार है तब तक ही करेगी, जिस दिन वो थक जाएगी उस दिन वो कहेगी ठीक है अब हम टॉक्सिन्स होल्ड कर रहे हैं अंदर ही, अब बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी बात मान लेते। जैसे अपन किसी भी व्यक्ति को बार बार टॉर्चर करते हैं तो वो फिर मान लेता है, यदि उसके बस की नहीं चलती तो वो कहता ठीक है भाई कर ले। तो आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हो तो एक दिन वो थक जाएगी, हार जाएगी, कहेगी ठीक है भाई जो तेरे को करना है कर, अंदर रखना है ना टॉक्सिन, अंदर ही रखते, अंदर कहीं तो स्टोर करेगा, ब्लड में करेगा तो इमीडिएटली डेथ हो जाएगी, तो इसको अपन एक ट्यूमर बना के स्टोर कर देते हैं, एक सेल बना देते हैं अपन, कैंसर के सेल्स बना देते हैं, वहां पे ग्रो करा देते कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट, फिर तो ठीक है, फिर कोई डिटॉक्स नहीं होगा, फिर कोई बुखार नहीं होगा, फिर कोई जुकाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर केवल स्टोरेज होगी, उसमें तो सेटिस्फाइड हो।
बाहर नहीं निकालना ना, तो अंदर ही रखना है, इसमें क्या दिक्कत है? तो यही एंड है। उस दिन डॉक्टर कह देगा कि भैया ये है, कीमो करा लो, तो अपन उस सब चक्करों में मत पड़ो। जिस तरीके से बॉडी डिजाइन है उस तरीके का उसको फूड दो, फिर देखो आप बढ़िया से फटाफट से ठीक हो जाओगे। कई लोग ठीक हो चुके हैं, बहुत सीवियर एलर्जी भी ठीक हो चुके हैं। तो सर मेरा जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे फ्रूट्स पे करे, मैं जिम भी जाता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, तो उसके लिए भी डाइट में यानी प्रोटीन इंटेक भी चाहिए पड़ता है, कार्ब्स भी चाहिए पड़ते हैं, सब चाहिए पड़ता है, और वो सब पसंद है। जैसे कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, उनको प्रोटीन बड़ा पसंद है, एसिडिटी बड़ी पसंद है। Can you explain this point in English, Kaur? कैंसर सेल्स वाला जो कैंसर सेल्स जो है वो फ्लरिश ऑन एसिडिटी, दे लव शुगर, दे लव प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सेल्स। प्रोटीन क्या करते है, सेल्स की ग्रोथ करते है, कैंसर सेल्स से भी करेंगे ना। प्रोटीन खाना नॉर्मल है क्या, या जिम जाना नॉर्मल है? व्हाट इज नॉर्मल? ईटिंग प्रोटीन इज नॉर्मल और गोइंग टू जिम इज नॉर्मल? नेचुरल है, गोइंग टू जिम इज नेचुरल। लाइक हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी कैसे होगी? कोई आपको एक ऐसा जिम का बंदा दिख रहा है जो 40-50 किलोमीटर दौड़ सकता हो? वी आर नॉट शो पीस, वी आर वर्किंग मशीन्स। अपनी जो वर्किंग है वो कैसे आंकोगे? आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, 100 किलोमीटर दौड़ सकते हो, 1000 किलोमीटर दौड़ सकते हो, दैट इज योर पावर, है ना? ये पावर नहीं है कि ये हमारे ये दिख रहे हैं, हम कल कुछ नहीं सकते। वी आर नॉट शोपीस। सो यू वांट टू बिकम शोपीस डिजीज पर्सन, देन यू कैन थिंक लाइक दैट। इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी पर्सन, सुपर हेल्दी पर्सन, देन यू थिंक लाइक दैट। कभी आपने जो मैराथन दौड़ते उन लोगों को देखा है, 40 किलोमीटर जो कीनिया के धावक दौड़ते हैं, कभी उनकी शक्ल देखी है? वो शक्ल आपको पसंद नहीं है ना, आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की शक्ल पसंद है। वो दौड़ सकता है? आर्नोल्ड नहीं दौड़ सकता। तो यदि हम मोबिलिटी नहीं है हमारी बॉडी में, तो हम हेल्दी कैसे हुए? मोबिलिटी इज आवर फर्स्ट फंक्शन। हम यदि पैदल चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो ये पहला फंक्शन है हमारे अंदर। इसके बिना हेल्थ कैसे सोच सकता है? जो आदमी ज्यादा चल सकता है, ज्यादा दौड़ सकता है, वो ज्यादा हेल्दी है। जिसकी चलने से दौड़ने से सांस फूलती है, वो हेल्दी कैसे हो सकता है? तो आप एक अननेचुरल एक्टिविटी को टारगेट लेके हेल्दी नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? और लगाओ आप, तो आप में दम है, लगाओ दौड़ो 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कौन मना कर रहा है? पूरे इंडिया का चक्कर लगा गया होगा। फिर भी तो सर जैसे फ्रूट्स के लिए तो फिर भी कैलोरीज तो चाहिए होंगी ना, जो मतलब फ्रूट में कैलोरी नहीं होती क्या? नहीं यानी अदर सोर्स, क्योंकि दौड़ लगाते हैं उसमें भी चाहिए पड़ता है। आपको एजुकेशन की जरूरत है, मैं आपको बताऊं। हेलो, एक सेकंड। हाँ मैं
अमन जी, हमारे फेसबुक ग्रुप पे एक लेडी है मीगन लेना, फ्रूट खाती है, फ्रूट खा के 24 घंटे दौड़ी है, वो 24 घंटे लगातार 160 किलोमीटर। एक लेडी है 60 साल की जिसको कैंसर हो गया था, फ्रूट खा के उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाया, डेली एक मैराथन दौड़ी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 365 दिन में 366 मैराथन फ्रूट खा के। आप प्रोटीन खा के क्या कर सकते हो ये बताओ। बस स्ट्रेंथ अकेला आ सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बीमारी बन सकते हो और अभी थोड़े फिर और ज्यादा भी बाद में, क्योंकि प्रोटीन बनाने वाली कंपनी जो है आप उनके कस्टमर हो, आप बॉडी को वो नहीं दे रहे जिसके लिए आपकी बॉडी डिजाइन है। ठीक है ना? नहीं, मेरा प्रोटीन का मतलब वही है, नेचुरल फूड से जो प्रोटीन आते हैं जैसे। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे लोग जो है नारियल पानी पी के और केला खा के जो है 100 किलोमीटर 160 किलोमीटर 24 घंटे में दौड़ सकते हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आई कैन शो द वीडियो, आई कैन शो द एविडेंस, आई कैन शो द रिकॉर्ड बुक, अखबार की कटिंग दे सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आपको मैं प्रोटीन खिलाता हूँ, आप दौड़ के बताओ कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो आप एक बार, या आप दौड़ने को नेचुरल एक्टिविटी नहीं मानते, जिम को मानते हो? नहीं नहीं, मैं तो जिम मतलब कि सिर्फ यही कि स्ट्रेंथ बॉडी की रहती है, बाकी एक्टिविटीज मैंने दौड़ भी किया है। दौड़ भी नेचुरल है ना, आप कितने किलोमीटर एट ए टाइम दौड़ सकते हैं? मेरा भी तो शायद 5 किलोमीटर आज है ना, 21 तो मैं ही दौड़ लेता, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे 21 दौड़ लेते हैं। 5 साल को जानते हो ना? हाँ। कितना दौड़ लेते हो एक बार? उनका एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, वो एक बार में 25 किलोमीटर दौड़ के आ जाएगा, उसको कुछ नहीं, उसको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए। तो फिटनेस और फिर दिमागी फिटनेस भी है, IIT नीट भी एक साथ क्लियर करता है वो एक बार, उसकी किताब से हजारों बच्चे पढ़ के नीट क्लियर करते हैं। मैं तो सर बस इतना मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मतलब मैंने फ्रूट डाइट पे भी अभी मैंने हेल्थ लाइन पे एक टॉपिक आया था, जो हेल्थ लाइन एक वेबसाइट है मेडिकल, जो डॉक्टर्स उसे पब्लिश करते हैं, तो उन्होंने भी बेनिफिट्स बताए उन्होंने, लेकिन एक साइड इफेक्ट्स के रूप में या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक के रूप में ये भी बताया कि अपनी बॉडी को और मतलब चीजें भी रिक्वायर्ड रहती हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्ब्स है या फिर और भी चीजें, तो वो थोड़ा लैक कर जाता है जिससे न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है आपके जान पहचान के रिश्तेदार दोस्त अन्य लोग संसार में? कितने लोग प्रोटीन की कमी से अस्पताल में भर्ती हैं? प्रोटीन की वजह से कितने लोग भर्ती हैं ये मैं बता सकता हूँ। किडनी डिजीज का नाम सुना आपने? रीनल डिजीज होती है जो, हाँ, किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस सुना? डॉक्टर क्या बोलता है उसमें, प्रोटीन खाओ, कम करने का बोलता है, कम करने का नहीं बोलता, वो कहता है प्रोटीन मत खा लेना। तो क्यों, अचानक क्या हो गया, प्रोटीन जरूरी नहीं है? किडनी फेल होने के बाद समझोगे कि प्रोटीन जरूरी नहीं? आप तो ये बताओ कि प्रोटीन नहीं खाने से क्या हो रहा है, कितने लोग मर गए प्रोटीन नहीं खाते?
आपके पूर्वज बंदर थे, बंदरों से आपकी बॉडी मिलती है कुछ एनाटॉमी? कहां से मिलता है आपको प्रोटीन बताइए? जवाब दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पढ़ के आओ कल फिर दोबारा से जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही जवाब दो। आप नोट डाउन कर लो, कल फिर आओ आप जवाब तैयारी के साथ। यदि आपको ठीक होना है तो आप ठीक हो सकते हो, यदि आपको बीमार होना है तो डॉक्टर्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि दे नीड यू, यू आर देयर कस्टमर। तो सर फ्रूट्स में, यानी फ्रूट्स अकेले खाने या ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं? फ्रूट्स ही खाने हैं, फ्रूट्स अकेले, रॉ फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स ओनली, वही खाते। और कुछ कुक्ड भी फूड खाते हैं? कुक्ड फूड भी सुना तो नहीं मैंने, वही सुना है। और कोई वेजिटेबल भी नहीं खाना? नहीं। ओके, ये मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूँ आपको खाने के लिए, मतलब ये कई लोग पानी पे जिंदा है यहाँ और बढ़िया चल रहे और फटाफट ठीक हो गए क्या? ये तो बहुत ज्यादा है कि आप कितने भी फ्रूट खा सकते हो, कोई सा भी फ्रूट खा सकते हो, 50 केले भी खा सकते हो। ठीक है सर, तो फॉलो अप अगला कब करना होगा या फिर इसी पे जूम पे ही अटेंड कर सकते? आप आ सकते हो, जूम मीटिंग डेली होती है। यदि आपको विश्वास हो जाए कि फूड खा के आप ठीक हो सकते हो तो आप करके देख सकते हो, नहीं हो तो आप अपना टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, मैं अभी चैट पे पेस्ट कर दूंगा, बाकी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। आप क्योंकि वो ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन के लिए आपके क्वेश्चन होते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब ही नहीं देते। क्वेश्चन में तब मजा आता है जब सामने वाला कहे हाँ देखो इसका मतलब, इसका आंसर ये है। बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता है, ये कौन से सन में पता लगा था? प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई होगी? अच्छा ये तो नहीं पता है, लगभग अपन अंदाज अच्छा, आपके पूर्वज जो है इंग्लिश कितने साल पहले से जानते थे? ऐसे आ गए, आपके भी पिताजी के पिताजी के पिताजी भाई होंगे ना कोई हाँ। जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी उनको प्रोटीन भी नहीं पता होगा, तो वो जिंदा जिंदा कैसे थे पृथ्वी पे ये बताओ, आप कैसे पैदा हो पाए? उनका उसी समय निकल लेना था कि भैया प्रोटीन शब्द ही नहीं पता। नहीं लेकिन वो ये है ना कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते थे जो जो कम, उनको कैसे पता लगा ये डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है? आपको कैसे पता लगा? वही उन्हीं के द्वारा कि जब आप पैदा हुए तो आपको जो रास्ते में गाय भैंस जा रही थी उनको देख के अट्रैक्शन होता था कि इनके पीछे निकल लो, ये दूध देंगी अपने, बहुत अच्छी महक आ रही है, बहुत सुंदर है ये, इनके पीछे ही पीछे चलो और जब ये रुक जाए तो इनका दूध पी लो। ऐसा आपको फीलिंग आई क्या कि किसी ने बताया कि दूध पीना चाहिए? बताया, आपकी अकल नहीं चली ना,
किसी ने हो सकता है आपके पिताजी को भी बताया हो, उनके पिताजी को भी बताया हो, उनको भी नहीं लगा हो ऐसा कभी भी, ये भी तो हो सकता है। तो आप लोग जो डिसीजन लेते हो वो लोगों के बताने पे ही लेते हो ना कि प्रोटीन खा लो या दूध पी लो। खुद का जिस दिन दिमाग अपन यूज कर लेंगे ना उस दिन अपने को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। बंदर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बंदर को आप बता ही नहीं सकते कि ये है गाय का दूध पी लो भाई इसमें प्रोटीन है, इसलिए वो फिट है, इसलिए उसको वो सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही जो आपको हो रही है। इतनी सी नॉलेज आपको गेन करनी है, बाकी कुछ नहीं। अपना दिमाग यूज करना है, दूसरे के कहने पे मत चलो। यदि आपको लग रहा है कि ये भैंस बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपको, तो बिल्कुल जाके चिपक जाओ भैंस से, कोई मना नहीं कर रहा। नहीं लग रहा तो मत चिपको भाई, कोई बता रहा है तो मत मानो। हो सकता है वो भैंस का दूध जो है बेच रहा हो, उसका बिजनेस हो। लोग बेचते हैं ना सामान तो उसकी तारीफ करते हैं। अब आदमी के बिजनेस इन्वॉल्व रहते हैं ना, आप ब्राह्मण हो पंडित हो आप, तो आप लोगों को बताते हो ना कि भाई ऐसा ये कर लो तो ये हो जाएगा। आपको पता है मेरे साथ तो होने का, उसके साथ भी नहीं होगा, लेकिन मैं इसको बता दूंगा तो ये कुछ 200-500 पटक जाएगा। नहीं वो सही बात है आपका। बाकी सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा था वो मतलब आर्टिकल ऑथराइज्ड डॉक्टर ही होते हैं वो, आर्टिकल ने बोला था कि आर्टिकल जो है इंडस्ट्री ड्रिवन लिखे जाते हैं। ऐसे भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, एडवर्टाइजमेंट भी आ चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको प्रचार किया था। एक 20 साल पहले एक ऐसा भी समय मैंने देखा था कि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि बच्चे को माँ का दूध मत पिलाओ, बहुत हानिकारक है। तो उस समय 20-25 साल पहले माताओं ने दूध पिलाना बंद कर दिया था बच्चों को, पैदा होते ही बॉटल लगाओ। एक उन्होंने कहा कि भैया वो फॉर्मूला मिल्क दो, उसमें सारे विटामिन है, माँ के मिल्क में तो है ही नहीं। सेरेलेक दो, उससे बच्चों को वो मिलेगा पोषण। तो ये आर्टिकल इंडस्ट्री ड्रिवन होते हैं, माल बेचना होता है, सामान बेचने के लिए आर्टिकल आते हैं। आप अपनी बॉडी पे खुद रिसर्च करने को तैयार नहीं, सामने वाले की रिसर्च आप मान रहे हो। कैसे होगा, खुद रिसर्च करो, मानोगे तो फिर मानते ही रहोगे, पूरा जीवन जो है मानने में निकल। ये भी है ना कि फैट भी तो शरीर के लिए रहता है, जैसे प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, ओमेगा 3, ये सब की। ये किसने बताया आपको, दूसरे ने बताया ना। आप मोबाइल खरीदते हो उसके साथ सॉफ्टवेयर आता है ना, सैमसंग का मोबाइल खरीदते हो आता है ना। आप जो पैदा बिल्ली होती है ना, बिल्ली उसको चूहा पकड़ना कोई सिखाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि वो उसका नेचर ही रहता है, या फिर उसे भूख लगती है तो। आप चूहा क्यों नहीं पकड़ पाते भूख लगती है? आपको भूख लगती तो आप चूहा पकड़ के खा क्यों नहीं पाते हो? चूहे में प्रोटीन नहीं है क्या? चूहे में प्रोटीन है, आप तो नहीं पकड़ के खा रहे। क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है, बिल्ली का नेचर है। आपका भी तो कुछ नेचर होगा ना,
जो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, जिससे आप जिंदा रह सकते हो स्वस्थ। बिल्ली को चूहा पकड़ के खाने से कोई बीमारी नहीं हुई ना, क्योंकि उसको वो पूछ नहीं रही है कि क्या करना है, आप पूछ रहे हो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। आपको अपना ट्रू जो नेचर है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ रह पाओगे, नहीं तो बीमार ही रहोगे जीवन। कैल्शियम आप खाओगे तो आपकी किडनी भी खराब हो जाएगी और हार्ट की जो आर्टरीज है आपकी पूरी बॉडी की उसमें कैल्शियम जमा हो जाएगा और कुछ नहीं, हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती आपकी। हड्डियां तो एक घोड़ा आपको पांव मार देगा ना तो आपकी हड्डियों का पौडर बन जाएगा, और वो कैल्शियम नहीं खाएगा, वो किसी डॉक्टर की भी नहीं सुनेगा, उसको कैल्शियम कहां से मिलेगा। एक सांड आपसे टकरा जाता है तो उसके पास कैल्शियम कहां से आता है, उसके बच्चे उसके माँ का दूध तो आप पी चुके, आपकी हड्डियां क्यों टूट रही हैं उससे। हाँ उसकी तो मसल्स भी बहुत होती है, कहां से आ जाती है प्रोटीन, कहां से मिलता है आपको, उसका जेनेटिक्स है ऐसा। आपका जेनेटिक खराब है, उसका सही है, आपका जेनेटिक मटेरियल खराब है ना, ये तो मान लिया आपने, सांड की अपेक्षा कमजोर हुआ, ऐसा नहीं है, होते हम कमजोर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हम लोग बहुत ताकतवर स्पेशीज है, लेकिन हमें लोगों ने मूर्ख बना दिया, कमजोर बना दिया, बीमार बना दिया, जिससे वो लोग बिजनेस कर सके, धंधा कर सके, पैसा कमा सके। ठीक है, चलिए रामिया जी आप बताइए। मोक्षिक मोक्षिका मोक्षिका 14 नीलम बत्रा कैन आई आस्क सौम्या जी पूछे आई हैव टू डाउट्स सो वन इज फॉर calcium so I have back pain after my delivery the doctor gave me calcium so that is not necessary to take I do not understand the point that you told him it was in Hindi can you just tell that sorry no it is not necessary it is not recommended it is harmful okay but we won't get calcium from fruits right kyun nahi milega Which fruit has calcium? आपको क्या लगता है जैसे Can you tell in Hindi? Sorry, English. Yeah, I can speak in English also. You
can you I can't see you. I am with my video on. We are not evolved to eat rocks. Right. We cannot eat metals. If we have low iron in blood, can we eat iron utensils or iron metal and recover? No. Is it possible? No. Why not? Because it's not an edible form. So, do you think calcium stones are edible for us? And we can make calcium out of it? Okay. Okay, then if we have back pain, then what should we do? We have back pain because our bones are weak. Right. Our posture is wrong. Our working is wrong. Our food is acidic. Our bones are leaching alkaline material to maintain pH in the blood. That is the reason of back pain. We cannot recover by eating calcium. If it is so, then everybody would have recovered from the back pain. But nobody recovered from the back pain by eating calcium. But there are many people who damage their kidney, damage their heart from eating calcium. They calcified their arteries because we cannot digest rocks. So you're telling none of the tablets that they give during pregnancy are required? No, none. Okay. Okay. So now what is the... And pregnancy was not even that painful in previous time. There were no hospitals. Do you feel that if a monkey, lady monkey is pregnant and they need some calcium, some iron tablet, or they need cesarean, or they need doctors for delivery, why not? What is the difference between them and us? Right. We have just... Business has brought us into that... Yeah, you are, because you are being fooled by the masses, mass industry. Every industry, many industries are dependent on it to make you fool. Okay. There are human beings who are eating fruits and have painless deliveries. There are ladies. They did not require to go to the hospital even. Our ancestors, you can meet them. You can talk to them. Correct. Okay. So we are not here to invent something. Okay. We have to just see, open our eyes. What we are doing is we have closed our eyes. We don't want to see the truth. We want to accept what is prevalent, what is going on. We don't want to question. Okay. Basic thing is you have to question why you are having painful pregnancy when you are eating calcium, iron, folic acid, everything. Why? Why you are feeling pains? Why monkey is not feeling pains? Why? Because you are sick. You are eating, you are not eating right. Because you are eating cooked meals. Cooked meal is the reason of pain in pregnancy, but it is normal because your mother also felt pain in pregnancy, your grandmother also felt pain in pregnancy. So they told you that pregnancy is painful. It is rebirth. And you accepted this. But human life is not designed to be painful. Okay. It is joyful. Right. Your ignorance made it painful. Painful. So how can we increase the alkalineness in the body to reduce the acidity?
यू जस्ट नीड टू ईट व्हाट यू आर डिजाइन टू ईट दैट्स इट ओके every species in the world is designed to eat raw food uncooked food unsalted food food without spices so we are designed and what we can eat without cooking what we can eat without salting what we can eat without spicing we can eat only our natural food We can only eat fruits without all these things. So you're telling all these vegetables, corn, everything is not natural? It is natural, not edible for humans. Can you eat vegetables without cooking, without salting, without spicing? Some of them. You want? Like we can eat carrots and all, right? Carrot is not... intended to be eaten by something it is a root you can't eat something by root you can't eat roots of anything okay if I gave you an option to spend 3 days on either mango watermelon carrot what you will choose fruits mango and watermelon why you will choose fruits Because we get the energy from that. So, that is the obvious thing. Right. How many kgs carrot you can eat at a time? Can you spend a day on carrot? No. Why not? Don't... feel the energy when I eat carrot, like how I feel energetic when I eat mango or watermelon. So listen to your mind, listen to your body. Okay. Ignore the knowledge provided to you. Carrot is not intended to be eaten. It is a root of the plant. And if we snatch it from the root, it does not feel good to us. If we plant something, if there is any plant in your house, if somebody comes in your house and then snatches it out, how do you feel it? It feels good to you? Okay, very good, very good. No. Why not? Because you are attached to the plant also. Right. Because your heart says that you cannot do this. So listen to your heart, listen to your mind. Okay. If somebody told you that, your plant has roots which are very beneficial for you, then you will think, okay, do it, snatch it out. Because somebody put wrong information in your mind. That's why you are believing this. Otherwise, you would never do this thing. Right. Okay, now, so for the depleted calcium, if I eat fruits, will it get back the calcium? Yeah, that is the only thing. How will it get back the calcium from fruits? Because fruit has everything. Which fruit does not have calcium? You tell me the name. I will find it out for you from Google. You just name the few fruits which does not have calcium. Okay. Just tell me. Okay, I was told that none of the fruits have calcium. So I am asking you which fruit does not have calcium. I will just find out. Maybe I am wrong. Maybe you are right. Apple. Oh, apple. Okay. Can you see it on the screen? Yeah, I can see it. So I just write on the Google apple calcium content. It is saying that on 100 gram apple, there is a 6 mg calcium. Okay. So do you want to put any other name? Any other? No.
No, not needed. Any fruit which does not have calcium? Mango. Mango. It is 11 mg. It is even more than. Oh my God. Okay, got it. So all the minerals that our body needs are present in fruits. Yeah, okay. You were brainwashed by the pharma industry through their agents. Right. Why shouldn't we juice our fruits? Because we also need fiber for digestion. Okay. And we are not born with the juicer. Because monkeys do not juice. Right. Because monkeys are more intelligent than us because they are not sick. They do not need gynecologist for their pregnancy. Great. So we should learn from them. Okay. When I have intense craving, that time I tend to give up. So yesterday night I went and slept off to avoid that. You need to eat more fruits so that your stomach is full. And if you have full energy and full stomach, then you will have less craving. Okay. Okay, I'll follow that. Okay. Yeah, thank you so much. सर एक छोटा सा क्वेश्चन इनके पूछूं मैं. हेलो सर, जैसे आप कहते हो ना कि हमें कैसे पता कि ट्रीज हमें फ्रूट देना चाहते हैं या हमें खिलाना चाहते हैं, मतलब हमें कैसे पता कि वो हमें फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं? हम प्लक ही तो करते हैं फ्रूट्स उनसे भी. देखो ट्रीज सब ग्रीन कलर के होते हैं. ग्रीन कलर के होते ना ट्रीज, किस कलर के होते हैं? अब अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्रूट का कलर चेंज करते, ठीक है, उसमें खुशबू पैदा करते हैं. जो खुशबू हमको ही आती है, वो खुशबू शेर को नहीं आती, क्योंकि शेर के खाने से कुछ होगा नहीं. हम फ्रूट लेके जाएंगे, तोड़ेंगे, तो उसको खा के बीजों को थूकेंगे. हमको पता है ये ह्यूमन बेस्ट है. Human is best seed disperser. तोड़ेगा, खाएगा और फेंकेगा. ये इसको फेंकना पसंद है, खाके फेंकेगा तो और पेड़ उगेंगे. और सर पकने के बाद पेड़ अपने आप भी तो फ्रूट्स को छोड़ देते हैं. अपने आप भी छोड़ देते हैं, वो अट्रैक्ट भी करते हैं. खुशबू क्या आती है? आम पकता है तो उसमें एक खुशबू आती है. वो चाहते हैं कि हमें तोड़ के खा लो. हाँ, पेड़ चाहता है ना. आप भी तो चाहते हो कि आपके बच्चे पैदा हों. हम लोग क्या, बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं? हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, ऑफस्प्रिंग, ताकि नेचर चलता रहे. हाँ, ये इसी तरीके से हम डिजाइन है. बाकी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन करते वो सब वही काम है कि बच्चे पैदा हों, बस. चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, बाकी उसकी भूमिका कुछ भी बना लो आप. पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भैया? अच्छा लड़का मिले. क्यों भाई, इसलिए क्यों पढ़ रहे हो कि अच्छा लड़का मिले? सुंदर लड़की से शादी, सुंदर अच्छा लड़का दिखना चाहिए. तो ऑल, हर चीज उसी पे डिपेंड है कि हमें बच्चे पैदा करने हैं. वही पेड़ चाहता है कि उसके भी पेड़ आम चाहता है कि आम ही आम के पेड़ हो सब जगह. केला चाहता है कि केले के पेड़ हो जाएं. केले में भी पहले सीड आता था, अभी अपन ने मॉडिफाई कर दिया उसको थोड़ा सा. तो हर फल यही चाह, हर पेड़ यही चाहता है. इसी वजह से वो फल हमें ह्यूमंस को प्रोवाइड करता है कि भाई तुम लोगों का बेनिफिट है कि तुम खा लो, तुम भी जिंदा रहोगे और हम भी बढ़ जाएंगे. इसमें कोई फ्रूट खाने से कोई अपन पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे. यदि अपन ने गाजर खा ली है तो अपन ने पेड़ को खत्म कर दिया. मूली खाई है तो पेड़ को खत्म किया.
पालक खाइए तो पेड़ को खत्म किया, फ्रूट खाने से हमने किसी का नुकसान नहीं किया, पेड़ का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आम का पेड़ बोलेगा आम खाया ना तुमने, बहुत बढ़िया था, अब इसको गुठली को भी कहीं जो है जंगल में छोड़े आप। जी हाँ ये बात तो ठीक है। सर एक बात पूछे? हाँ पूछिए। सर जैसे कि ना मुझे सर ऐसे लगता है कि ना जमीन में ये जो फर्टिलाइजर्स और इस तरह नाम पे डाला जाता है, हमको लगता है कि फ्रूट्स में अगर ऊपर से कुछ नहीं डाला जाए फ्रूट्स टूटने के बाद, तो मतलब आई थिंक कि ना फ्रूट्स में वो फर्टिलाइजर्स ये सब का इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वो तो अपना खाना सनलाइट और नीचे एकदम अंडरग्राउंड वाटर से लेके वो मतलब अपने फ्रूट्स करता है, तो आई थिंक कम होता है व्हेन कंपेयर टू वेजिटेबल्स, ये सब के ग्रेन्स के मुकाबले फ्रूट्स में कंटामिनेशन और जैसे हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, काम देखिए आप, काम क्या है लोगों को, खेती कर रहे हैं, कुछ लोग सेना में भर्ती हैं देश की रक्षा कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, और देश की आधी आबादी खाना भी बना रही है, ये भी है, आधी से ज्यादा खेती कर रही है और आधी खाना बना रही है, तो खेती करना जो है, खेती करने की आवश्यकता ही नहीं है यदि हम फल खाएंगे, यदि हम ये सारे खेत खत्म कर दें तो कोई आम का पेड़ उगाने के लिए खेती करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, अपने आप उग जाएगा, या जामुन का पेड़ उगाने की खेती तो उस चीज के लिए करनी पड़ती है जो कि हमें उगाना है और फिर उसको खत्म भी करना है, जैसे हमने गेहूं उगाए और फिर गेहूं को खत्म करना पड़ेगा, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, आम का पेड़ लगा दिया तो वो तो 100 साल चलेगा 500 साल चलेगा। सर उनमें पेस्टिसाइड्स नहीं डलता फ्रूट्स के पेड़ों में, बिल्कुल कुछ कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता, वो तो हम अननेचुरल करते हैं ना कोई भी काम तब पेस्टिसाइड डलता है, हम क्या करेंगे कि अंगूर उगाएंगे जगह पे खेत बना के, तब पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, वो तो पर्पसली बनाते हैं। यदि हम एक पेड़ आम का लगाए, एक बगल में जामुन का लगाए, एक जो है तीसरा लगा हुआ है, चौथा लगा हुआ है, तो फिर पेस्टिसाइड की जरूरत थोड़ी है। अंगूर की बेले तो लगती हैं, उसमें तो डलते हैं पेस्टिसाइड्स। हाँ तो हम उसको खेत बना के खेती करके उसको पैदा करते हैं, हम उसको आर्टिफिशियली करते हैं, जो चीज नेचुरली हो सकती है उसको आर्टिफिशियली करते हैं, पर अंगूर तो सीख लिया है हमने, जो गेहूं तो नेचुरली पैदा होते ही नहीं है इस तरीके से, तो हमने गेहूं पैदा किया, चावल पैदा किया, दाल पैदा की, तो हमने सीख लिया है कि फल को कैसे आर्टिफिशियली पैदा करते हैं, जानवरों को कैसे आर्टिफिशियली पैदा करते हैं, इंसानों को कैसे आर्टिफिशियली पैदा करते हैं, हमने सबका सीख लिया। अंगूर हम खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। गौरव जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी गौरव जी, आज ना मेरे को 21 दिन हो गए हैं फूड डाइट पे, बट ना मेरे को ना अभी भी ना बीच में नमक खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। पालक के पत्ते ले आएगा वो, उनको खा लिया करो, चबा लिया करो, नमकीन होता है। पालक के पत्ते खा सकते हैं बीच में फूड डाइट में? हाँ कभी क्रेविंग हो तो चबा लो एक आध किलो पालक या एक आध पत्ता, जितने में सेटिस्फेक्शन होता है, होते नमकीन है उनके पत्ते। ठीक है गुरु जी, फिर नमक की क्रेविंग। सर कैन आई से माय प्रॉब्लम? हां वन्या जी बोलिए। सर आई हैव एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम सर, not taking any medicine. You are taking medicines or you are not taking? I am not taking any medicine sir. Okay,
सर कैन इट बी क्यूर्ड बाय दिस फ्रूट डाइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगे सर. हाउ मेनी डेज आई हैव टू टेक एंड व्हाट आर द फ्रूट्स आई हैव टू टेक? एनी लोकल सीजनल फ्रूट. दो तीन महीने में ठीक हो जाओगे. ओके सर. Today I tried to start this fruit diet, but morning only what I have craving of eating breakfast. कोई बात नहीं, देखते हैं घोड़सवार मैदान में. आपने कोशिश की? अभी आपको अपनी क्रेविंग से प्यार ज्यादा है, बीमारी से नफरत कम है. जिस दिन बीमारी से नफरत ज्यादा हो जाएगी ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा फ्रूट खाने से. अभी क्रेविंग आपके जीवन में बड़ी है, बीमारी उतनी बड़ी नहीं है. तो पहले बीमारी को बड़ा करो. जब वो उतनी बड़ी हो जाए कि उसके लिए कोई क्रेविंग उसके सामने कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे आप. ओके सर. कैन वी टेक शुगर कैन जूस सर? नहीं, नो जूसिंग. शुगर कैन इज नॉट इवन फ्रूट. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. सर कैन आई हैव क्वेश्चन नाउ? अभी अमन जी का ले लिया. हेलो अमन जी, बताइए. नमस्कार सर. सर मेरे को ये पूछना था, अभी आपने शुरू में एक मैम से बात की थी ना जिनके बैक में प्रॉब्लम है, नाम भूल गई उनका, शायद कोमल था जो राइट साइड की बात कर रही थी, जो उनके राइट साइड में. सर मेरी भी बैक की जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हो गई थी, मतलब दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था. देन वापस से चालू हो गया. आपका माइक बंद हो गया. देन क्या हुआ कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो क्या हुआ कि अब जैसे बच्चा है तो उसे उठाने बिठाने में ना तो मेरे को करना पड़ता था, तो उससे मेरी बैक में दर्द शुरू हुई है. और दर्द ऐसे है, पहले तो लोअर बैक में सारे में दर्द थी, अब है लोअर बैक में ही है, बट लोअर बैक की राइट साइड से पेन है. और मेरे नी में भी जो पेन थी, नी में पेन हट गई थी, और देन नी में भी पेन शुरू हुई है और लोअर बैक की राइट साइड में पेन शुरू हुई है. तो ठीक हो जाएगी. हाँ जी. और सर आपने उन्हें कहा ना कि मतलब समथिंग एक्सरसाइज करने को, बट मेरे को तो आपने कहा था कि रेस्ट करनी है, तो कंपलसरी है एक्सरसाइज करनी है या वैसे ही हो जाएगा? कंपलसरी कुछ भी नहीं है. हाँ जी. रेस्ट तो है, बेस्ट है, लेकिन मैंने साइटिका के पेन में एक पोज बताया था. हाँ जी, पिजन पोज बताया था आपने, वो साइटिका वालों के लिए बताया. ओके. तो थोड़ा सा यदि अपनी बॉडी मजबूत होती है ना, हाँ जी, तो डैमेज भी कम होती है और रिकवर भी जल्दी होती है. हाँ जी. हाँ जी. नहीं सर, मैं तो वही बॉडी का ही अपनी का सुन रही हूँ कि हाँ जैसे है मूव, अगर उसमें मेरे को एनर्जी दिखती है तो मैं चल भी लेती हूँ या कुछ भी, और एनर्जी नहीं दिखती है तो मैं लेटती हूँ आराम करती हूँ. तो जैसे बॉडी बोलती है, कल को मेरे को पूरे 70 डेज हो जाएंगे मेरे कंप्लीट, तो ठीक है, वो तो सब सही है. और सर एक चीज मेरे को और शेयर करनी थी कि मेरे जो पीरियड्स है ना, वो शुरू से कभी मेरा ऐसे नहीं हुआ है, प्रॉपर टाइम पे आते हैं. जैसे जैसे मेरी 15 डेट है तो 14 या 13 को ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा, है ना, मंथ पूरा होने से 3 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन पहले. बट जब से मैंने डाइट शुरू की है तो मेरे को 19 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं.
और जो पहले पहले टाइम मेरे को पीरियड्स हुए थे वो हो गए थे, देन सर क्या हुआ 10 डेज मेरे को लगातार ब्लीडिंग होती रही, मेरे को वही है, मेरे मन में वही है कि अंदर से हीलिंग हो रही है, सफाई हो रही है, बट ये जो है फिर प्रॉपर उसी स्टेज पे आ जाऊंगी जैसे मंथली अपना साइकिल चलता है या? हाँ आ जाओ। आ जाओ। वो तो थोड़ा सा डिटॉक्स ज्यादा होता है। हाँ जी। तो वो थोड़ा साइकिल गड़बड़ा जाता है लेकिन वो ठीक होता है। हाँ सर मेरे को, बल्कि मेरे को इससे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो सकता है मेरी बॉडी में, जैसे बहुत सारी लेडीज यहाँ आई हैं उन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो इस चीज से ये थैंकफुल, पता नहीं मेरे को अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि हो सकता है अगर मैं ये फ्रूट डाइट शुरू ना करती तो आगे मेरे को इस चीज की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती, तो वो मेरे को पहले ही मौका मिल गया कि वो मेरा क्लीन अप हो रहा है, है ना, ये भी हो सकता है, तो मैं तो उसको इस वे में लेके चल रही हूँ, बट ये है कि हाँ आगे जैसे जैसे मेरी बॉडी क्लीन होती जाएगी तो वही मंथली प्रॉब्लम की सब सही हो जाएगा, बाकी नींद की बड़ा बड़ा बहुत बड़ा इशू था वो मेरा बिल्कुल सही हो गया, नींद मैं 10 बजे सो जाती हूँ बढ़िया आराम से, नहीं तो मेरे को सर 3-4 कई बार 5 भी बज जाते थे, मेरे को नींद नहीं आती थी और वेट लूज हो गया है। कितनी वेट लूज हो गया आपका? सर इंचेस में, शुरू में तो मेरा इंचेस लूज हुआ, वेट नहीं लूज हो रहा था, बड़ी टेंशन थी, बट आज आपने वो अमन से शायद शेयर किया था, उससे पहले एक और थे उनसे आपने शेयर किया था कि मतलब हम जब वो सोचने लग जाते हैं ना ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हमें टाइम लगता है, बट जब हम छोड़ देते हैं ना ये अपने आप से होता रहेगा तो वो जल्दी होता है, ये मैंने भी नोट किया है। छोड़ना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि दिमाग में हम ज्यादा सोचते हैं तो वो एक एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी आ जाती है हमारे दिमाग में ना, फिर उसी पे हम ध्यान देते हैं, बाकी चीजें हम भूल जाते हैं, और जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जब आपने मेरे को कहा था ना कि वेट मशीन उठा कर रख दो, तो सर मैंने आई थिंक, मुझे लगता है मैंने वहां से पापा के घर से आके 1.5 महीने बाद मैंने वेट चेक किया तो बढ़िया रिजल्ट आया, अब नहीं करना, अब फिर करेंगे 1-2 महीने बाद, बाकी सब गुड है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है, मजे आ रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। थैंक यू सर। शिखा खुराना जी आप बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मेरी ना एक प्रॉब्लम है, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी क्विकली, तो क्या अगर मैं ये फ्रूट डाइट, मतलब मैंने अभी तक मैंने फ्रूट डाइट नहीं फॉलो करी, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग आई एम अटेंडिंग, एंड बेसिकली समर्स में तो मेरे साथ ही होता है कि मेरी डाइट ना जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो, कोई फ्रूट नहीं, कोई वीट नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुझसे नहीं खाया जाता, सिर्फ लिक्विड डाइट चलती है मेरी समर्स में, बट विंटर्स में मेरी प्रॉपर डाइट वापस आ जाती है, तो ये मतलब आई एम लाइक ये जो मेरी जो फॉरगेटफुलनेस है, क्या ये इससे सॉर्ट आउट हो सकती है कुछ? बचपन से ही है या अभी एक्वायर किया आपने कुछ साल पहले? अभी बढ़ गई है। पहले जैसे हो जाओगे? सॉरी, जैसे पहले थे वैसे हो जाओगे? Okay. बड़ा हुआ पार्ट हट गया। Okay. मतलब पहले वो होता था कभी कभी भूल गए, वंस इन अ ब्लू मून कभी हो गया, अब मेरी बढ़ गई है प्रॉब्लम। अब कुछ चीजें ऐसी भी तो होती होंगी जो आपको जो भूलते नहीं होंगे। होती हैं। जो सब भूल जाते हैं वो आपको याद रहती है। होती है। तो वो भूल जाओगे आप और ये याद आ जाएगा। तो इट विल अफेक्ट दैट आल्सो अगर मैं फ्रूट डाइट स्टार्ट करूं, क्योंकि डाइट का मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है।
ज्यादा सोचने वाले जो टेंडेंसी होती है ना, उसमें हम पीछे का सोचते रहते हैं और रूटीन का भूलते रहते हैं। वो टेंडेंसी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो केमिकल इम्बेलेंस ही है बॉडी का, जब हम शुरुआत में तो चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम खुद से क्रिएट करते हैं और बाद में वो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। सोचना, भूलना, याद करना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो जो हमारा कंट्रोल जो हमारा खत्म हो गया है बॉडी को, वो हम रीगेन कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल उस वजह से खत्म नहीं हुआ है, जो एक रीजन कभी आया होगा आपकी लाइफ में, वो कंट्रोल इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि जो आप बॉडी को फीड कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स वैसे थायराइड पेशेंट्स को ज्यादा होती है। मुझे थायराइड है। आपको थायराइड है ना? तो थायराइड भी ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम और भी ठीक हो जाएंगी जिनको अभी आप आइडेंटिफाई नहीं किए। थायराइड अभी डायग्नोज हुआ है 2 days back। बिना टेस्ट ही बताएं। क्योंकि मुझे थायराइड हुआ था बीच में, प्रेगनेंसी में हुआ था, बट वो ठीक हो गया था, बट अभी रिसेंट फिर मैंने टेस्ट कराया था तो मेरा थायराइड आया है। फुल बॉडी चेकअप हुआ तो उसमें थायराइड डायग्नोज हुआ है। बस आप दवाई शुरू मत करो, फ्रूट डाइट शुरू कर दो। दवाई शुरू करके किसी का ठीक हुआ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ काफी लोगों की दवाइयां बंद हो गई। तो हाउ टू स्टार्ट विद दिस सर, फ्रूट डाइट? मतलब मार्केट में जाओ, फ्रूट्स खरीदो और खाना शुरू करो। मतलब एनी सीजनल फ्रूट, एक बार में एक तरीके का खाना, कितने भी फ्रूट कितने भी तरीके के खा सकते हैं। ओके। बहुत सारी चीजें जो होने वाली हैं वो नहीं होंगी, और जो हो चुकी है वो हट जाए। थैंक यू सर। नफीसा जी, हाँ सर, मैंने तो एक नींद ले ली। मेरा नंबर की मैं राह देख रही थी, जब आएगा तब उठूंगी। वेरी पीसफुल स्लीप। सर, रिपोर्ट ये करना था कि कल जो कोविड की मैंने बात की थी, कुछ टचवुड इमरजेंसी की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। कल से जो पानी पीना स्टार्ट हुआ था उनका, तो बहुत 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 ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं। अभी मेडिसिन का पैरासिटामोल उन्होंने ली थी, लाइक हर 4 घंटे के बाद एक एक पैरासिटामोल उन्होंने ली है, लेकिन जो फायदा पानी से हुआ है बहुत बेटर फील हो रहा है उनको, क्योंकि यूरिन भी बहुत पास हो रही थी, तो उससे काफी ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर भी उनका काफी कम हो गया है उससे। तो अभी भी सर वही कंटिन्यू करें? पैरासिटामोल मत दो आप। सर उन्होंने नहीं सुना, वो पैरासिटामोल का नहीं सुना, तो आई कुड नॉट हेल्प मोर देन दैट, यू नो। तो ठीक है, फिर जो करना है उनको जो कर सकते हैं। हाँ, मेरी तरफ से उनको पैरासिटामोल भी अपने आप में एक बड़ा सा टॉक्सिन है बॉडी के लिए, टॉक्सिक लोड है। ट्रू सर, ट्रू, लेकिन पानी से बहुत फायदा हुआ है। पानी से जो यूरिन उनको पास हुए है उसमें काफी ये लग रहा है कि रिलीफ लग रहा है। जो कल मैं पसीने की भी बात बोल रही थी तो उनको वो भी कंट्रोल में हो गया है, अभी पसीना भी नहीं छूट रहा, और जो थोड़ी बहुत शिवरिंग भी थी वो भी काफी रिलीफ है। तो अभी भी वो पानी का तो वो कंटिन्यू करना ही चाह रहे, बट आई डोंट नो अबाउट द पैरासिटामोल, वेदर दे वांट टू स्टॉप इट और नो। नहीं, हम लोग ऐसे पार्शियली किसी पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते ना, क्योंकि एक बहुत टॉक्सिक चीज वो ले रहा है बंदा,
ऐसे में हम क्या बोलें? Yeah, I understand what you're saying, sir. But उससे ज़्यादा मैं ना तो force कर सकती हूँ ना तो वो advice लेने को तैयार है। कुछ मत बोलो, शांति रखो आपकी। हाँ, मैंने शांति ही रखी है, लेकिन पानी का वो बोल रहे हैं कि पानी पूरा दिन कुछ खाया वाया कुछ नहीं, ना fruit लिया ना कुछ cook meals लिए, बस पानी पीते रहे हैं। तो उस वजह से काफी उनको पानी से, शायद आज के दिन वो छोड़ भी दे पैरासिटामोल लेना भी ज्यादा फायदा होगा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बॉडी जो करना चाह रही है ना वो होगा नहीं इन प्रेजेंस ऑफ पैरासिटामोल। तो और सर कितने दिन ये कंटिन्यू करना है पानी के ऊपर अगर वो चाहे तो? हम क्या कह दें, जो आदमी पैरासिटामोल खा रहा है उसको क्या कह दें? उसका तो फीवर यदि उतर भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। राइट, उस टेम्परेचर का जो पैरासिटामोल पे कम है उसका कोई सेंस नहीं है, ना तो बॉडी के लिए, ना मेडिकली, ना कोई हीलिंग हो रही है। बस वो बोल रहे हैं कि फीलिंग बेटर। हाँ ठीक है, फीलिंग बेटर है, लेकिन किसी भी दिन वो गड़बड़ भी हो सकती है। क्योंकि जो काम पेंडिंग है वो पेंडिंग ही है, अंदर का रिपेयर तो हो ही नहीं रहा। हाँ कुछ नहीं हुआ। ओके सर, और एक और चीज, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए। हाँ हाँ, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है, आगे उनकी मर्जी है। और सर एक और चीज, आज मैंने अपना बीपी चेक कराया तो वो काफी लो आया है, इट इज 108/72। लो थोड़ी लो नहीं है सर, परफेक्ट 60 और 100 होना चाहिए। अच्छा ओके, क्योंकि 108 देखने के बाद मुझे लगा ये लो है कि क्या है। आई वाज फीलिंग लिटिल यू नो डिजी। अभी आप जो है गूगल पे डालो व्हाट इज नॉर्मल बीपी। नो नो, आई डिडंट, आई डोंट वांट एनी गूगल, यू आर माय गूगल। वहां पे ये लिखा रहता है लेस देन 120/80। ओके सर, बस एक मिनट, आ रहा है कि 120/80 ना 108/72 तो वो ठीक है, और okay. कम होता है तो भी चलता है, 60 और 100 भी चलता है, मेरा 60 और 100 है। ओके ओके, जो बच्चा तो पैदा होता है ना उसमें 60 और 100 होता है। ओके सो दैट डाउट इज क्लियर। हम ये मान के चलते हैं कि हम अपनी बॉडी को इतना डैमेज करते हैं एक साल में कि एक पॉइंट बढ़ जाता है, तो डॉक्टर्स ने नॉर्मल बीपी बनाया 60/100+ एज। ओके, ये फार्मूला बनाया है। ओके सर, मेरे 3 किलो कम हो गए हैं, नाउ आई एम 65, तो अभी कितना कम होना चाहिए? जो पहले 68 था अभी 65 पे आ गया। हाइट 5.6, 60 तो हो गया मुझे। अच्छा 60 तक आना चाहिए, तो अभी 5 किलो और है। और बाकी मोशन आज हो गया था, आपने बोला था माइंड पे नहीं रखो तो सब बराबर होता है, सो इट इज आउट ऑफ माय माइंड, सो आई एम डूइंग गुड, अदरवाइज सब बराबर चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। नंदिनी जी आप बताइए। सर मैंने ये जो फ्रूट डाइट होता है ये चतुर्मास में स्टार्ट किया, विच मीन्स कि आज मेरा 11th डे है। मैंने इस बार ये नोटिस करा कि जो यूरिन है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, इन द सेंस कि मेरे को पानी पीना पड़ रहा है, प्यास लग रही है। तो वो मैंने देखा था, नॉर्मली मैं 60% फ्रूटेरियन रही हूँ तो उसमें ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन मतलब मैं एक्स्ट्रा पानी कभी नहीं, मतलब मेरे को नीड नहीं होती थी, लेकिन इसमें करना पड़ रहा है। तो मेरे को ये डाउट था कि इज इट बिकॉज टॉक्सिन एक्युमुलेशन कुछ ज्यादा है और वो डिमांड कर रहा है कि वाटर इनटेक हो तो तब वो बाहर निकले। जब हम फूड डाइट पे जाते हैं तो हमारे फूड के अंदर ही पानी है काफी मात्रा, लेकिन बॉडी उस समय थोड़ा सा हीलिंग करने की कोशिश करती है, डिटॉक्स करने की कोशिश करती है। हाँ जी, और जितनी भी बीमारियां होती हैं
जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी के द्वारा ही बॉडी से बाहर निकलते हैं। ओके। और किडनी आपकी अच्छे से काम कर रही है, दैट इज अ साइन जो आपका एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं, इसलिए आपका यूरिन ऐसा हो रहा है। और पानी पीते रहिए ज्यादा से ज्यादा, तो जितना पीते रहेंगे आप, एक बार में ज्यादा क्वांटिटी में मत पीजिए, पानी पीते रहिए ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा थोड़ा कर सिप करके। जी वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं यही नोटिस कर रही थी कि ये कैसे हो गया। और मेरे को पहले फर्स्ट 2-3 डेज में काफी टायर्डनेस सी थी, तो मैंने रेस्ट वेस्ट काफी किया, बिकॉज आई थॉट कि जब ट्रांजिशन होता है तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन अब एवरीथिंग इज फाइन, वेट इज स्टिल द सेम, मतलब 11-12 दिन हो रहे हैं, वेट टच नहीं हुआ। मैं 48 किलोस की हूँ और उसी पे हूँ। सो ये दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और मेरा जर्नी तो 120 दिन का है, 4 महीने तो मेरे को करना ही है। आई पास अभी तो 120 दिन वाला कैंडिडेट अभी किसी ने बोला नहीं है, आपने पहली बार बोला। नहीं, ये पहले भी मैं आपको मेंशन करना चाहती थी कि ये चतुर्मास है, तो इसमें मतलब ट्रेडिशनली ही किया जाता है, फास्टिंग तो होती है, पर मैंने इस बार फ्रूट का ही चूज कर लिया। तो आई थॉट कि ये प्रॉब्ली सॉल्ट्स भी निकल रहे हैं बॉडी में से, क्योंकि नॉर्मल खाने में तो सॉल्ट होता ही है, और वेजिटेबल्स भी नहीं है अब तो इस कारण ही ये यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन वाला था। बट मेरे को बीच बीच में क्रेविंग रही, लेकिन अब वो भी ठीक हो गया। सर हाँ जी, मेरे को ये बताना था कि जब शुरू में मैंने भी ये शुरू किया था तो पानी में कम से कम 4-5 लीटर पी जाती हूँ, है ना। बट शुरू में यूरिन पास काफी हो रहा था, बट अब जो पानी है पानी में उतना ही पीती हूँ, 4 लीटर तो मेरा है ही कंपलसरी है, 5वीं बोतल भी मेरी हाफ हो जाती है, पूरी नहीं होती। तो बट यूरिन जो है वो इतना पास नहीं होता है, जैसे मेरी बॉडी ना पानी एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसे हो रहा है, मतलब 3-4 बार मुश्किल से। और जब शुरू हमने किया था तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को वॉशरूम जाना होता था, तो ये सब नॉर्मल है। पसीना वसीना भी ज्यादा आ रहा होगा ना सीजन पे? अब तो नहीं आता, पहले तो बहुत पसीना आता था, पहले तो एसी में भी बैठे होते थे तो ऐसे लगता था गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। अब तो मतलब बॉडी, जैसे आपने कहा था कि हाँ गर्मी में बैठे हैं तो नॉर्मल फील करती है कि हाँ ठीक है। ठीक है, कोई उसकी क्वांटिटी को लेकर परेशान मत हो। ठीक हाँ जी, यही बस। अब मेरा नंबर आया सर? का नंबर किसका? मैं तो देख ही नहीं पा रहा। हाँ जी, अच्छा आपका तो नंबर सबसे पहले ले लिया था सर। मेरा ओ, मेरे हस्बैंड का लिया था, मेरे हस्बैंड का लिया था। मैं तो कब से आपका 1 घंटा 1.25 घंटे से वेट ही कर रही हूँ। मानता था ना कि अभिषेक मोदी लिखा हुआ, इनसे बात हो चुकी। अच्छा, नहीं मैंने आपसे पूछा था, अभी 1.25 घंटा हो गया, मैं वही सोच रही थी कि कब आएगा, मैं वेट कर दी। नाम से समझ में नहीं आता ना, अभिषेक मोदी जी से बात हुई थी आराम से, वही नाम लिखा हुआ। अच्छा सर, आप बताइए। मैं बात कर रहा हूं। बताइए बताइए आप। तो सर वो अभी जैसे आज वाटर फास्टिंग ही चल रहा है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस समय आपके सामने अमन जी भी हैं जो ये सब फेस से निकल चुके हैं। मैंने कंटिन्यू 6 दिन वाटर फास्टिंग की है। और ऋतु जी तो जो है इनको खींचना पड़ रहा है जो है 1 दिन के बाद। आपसे तो मैंने कहा भी नहीं था कि 6 दिन करो। नहीं सर, मेरी बॉडी ने जितने दिन मेरे को कहा मैंने उतने दिन किया। आपने एक बार समझा दिया कि पानी पियो, तो मेरी बॉडी ने मेरे को, जब तक मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल साफ नहीं हुई, मैंने कहा कि अब पीना ही है, अब कुछ नहीं खाना, पीना ही है, तो मुझे 6 दिन लगे पूरे।
ये तो गायब हो गई भाई। अभी पहले शिव गुप्ता जी को लेते, शिव गुप्ता जी आप बताइए। शिव गुप्ता जी उत्कर्ष। यस सर बताइए। सर आपने दो दिन वाटर फास्टिंग करने का कहा था, वो कर नहीं पाए, पर जो आपने खीरा टमाटर कहा है वो कंटिन्यू चल रहा है। सैटरडे संडे भी वही किया, कम खाया, बट वाटर फास्टिंग नहीं हो पाया पूरी तरीके से क्योंकि भूख लग रही थी। अब एक चीज पूछना है कि जो खीरा और टमाटर है वो एक साथ कट करके लेना है या अलग अलग लेना है, मतलब जैसे अपन फ्रूट डाइट लेते हैं वो करना है? अलग अलग ले लो। ठीक है सर, बट इससे जो अपना ऑब्जेक्टिव है सर वो क्या बोलते हैं पूरा हो रहा है, मतलब द रेंज इज कमिंग लोअर डे बाय डे। ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। एंड वेट गिरना सर बंद हो गया है, वेट इज 67। बाकी आज ये तो मेरे को याद नहीं है कौन सा है, चेतना मैडम बताती है कौन सा है वो और हमारा सेम डे है, बट 63 डेज हो गया सर आज, 63 डेज। 63 डेज, 2 मंथ कंप्लीट कर लिए सर सक्सेसफुली, मतलब बिलीव नहीं था जब स्टार्ट किया था। हाँ अभी मैंने ये देखा है कि काफी दिनों से अपन ये पुराने 20-25 लोग हैं जी, तो लगभग 50 दिन के भी ऊपर जा रहे हैं आसपास है, लेकिन अभी 4-5 दिन में कुछ नए लोगों के शुरू हुए हैं, डे 1 डे 2 डे 3 है ना, तो कुछ नए लोग भी जुड़े, तो वो बड़ा पॉजिटिव सा लगता है। बट 63 डेज सर पूरा काउंट कर लीजिए, एक बार भी कुछ भी मतलब जैसे विनोद सर कर रहे हैं वैसे ही किया है आई थिंक मैंने तो। आपके पास ऑब्जेक्टिव बड़ा है ना। अच्छा। सर मैंने भी कंटिन्यू पूरी शिद्दत से 70 डेज हो जाएंगे कल को, एक हफ्ते आगे साथ साथ ही है सब। उत्कर्ष जी आप बहुत स्लिम लग रहे हैं फर्स्ट डे से, मैं आपको कंटिन्यू देखती हूँ। अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, ये मेरे को मिस होता है, रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं थोड़ा सा, काफी दिनों बाद देखो ना तो पता लगता है फेस का। बट आई फेल्ट मतलब कि वेट के बाद भी मेरे को भी लाइट फील होता है एंड लगता है। बहुत फर्क है उत्कर्ष जी, अरे सर इतना फर्क है कि कपड़े लेना पड़े नए। मेरे सारे पुराने कपड़े झोले बन चुके हैं सारे मैंने। ये वाला खर्चा ना बहुत खुशी वाला खर्चा होता है उत्कर्ष। हाँ जी बड़ी खुशी हो रही है, और यही अगर अगर आप बढ़ जाए, अगर आपका वेट बढ़ जाए तो आपको खर्चा करना पड़े नए कपड़े लेने के लिए, आप खुशी से नहीं करोगे? मैं तो नहीं करती, मेरा कम होगा तभी लूंगी। हाँ तो इस संडे में गया था वो कपड़ा, मतलब जो क्लोथ्स में पहनता था ऐसा लगते थे कि दूसरों के पहने हुए हैं, मतलब लगने लगा था। मेरे भी यही था। हाँ आपको, यू आर अ डिफरेंट पर्सन एट दैट टाइम, नो नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन। Now, वो रिक्वायरमेंट ही हो गई थी, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। कितना वेट कम हुआ है उत्कर्ष जी? मेरा हुआ है मैडम 13-14 के जी। 13 13 13 13 13 मेरा भी 15 हो गया, मैंने 85 से शुरू किया था, मेरा 70 हो गया है। अब मेरा रुक गया है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। बट इस समय सर एग्जर्शन वगैरह बहुत हो रहा है, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आई एम ड्राइविंग और पूरा थ्रू आउट द डे थोड़ा सा मेरे, मैं बैंकर हूँ, थोड़ा सा नया एरिया वगैरह मिला है तो जॉब में, तो अराउंड 350 किलोमीटर पर डे चल रहा हूँ मैं ड्राइव, तो एग्जर्शन तो है बहुत। बढ़िया, अब आपकी एफिशिएंसी जो है मुझे ये बढ़ती चली जाएगी।
बट सर पानी नहीं पिला रहा है, पहले पानी जैसे 4 लीटर 5 लीटर 4 लीटर क्रॉस करता था पानी, तो अब मैं मतलब खीरा वगैरह खा रहा हूँ, शायद उसी से वो हो रहा, मन नहीं कर रहा है या याद नहीं आता है, कंटिन्यूसली जानबूझ के पीने की कोशिश करता था तो अभी क्या ड्राइव वगैरह और उसमें इतना नहीं, पानी बहुत कम हो गया सर, 1 लीटर अप्रोक्स 1 लीटर ही हो गया है। नीता सिप सिप करके आपको समझ में आ जाएगा, जब पानी थोड़ा कम होगा तो बॉडी कोई ना कोई सिग्नल देगी। ओके, पानी बहुत कम हो गया मेरा, पहले मैं पीता था 40-45 दिन तक मैंने कंटिन्यूसली ज्यादा पानी पिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली कम ही होते गया वो। सर आप खीरा टमाटर किस वजह से खा रहे हैं, मैंने सुना नहीं पहले एक्चुअली, मैं थोड़ी चली गई थी। नहीं मैं सर के गाइडेंस से खा रहा हूँ, मेरे को मैंगो खाने के बाद भी मेरी डायबिटीज एक रेंज पे कम हुई थी पर एक रेंज पे आके रुक गई थी, तो सर ने कहा कि पूरा पूरा टाइम जो है वाटर फास्ट कर लो, जो मेरे से हुआ नहीं क्योंकि भूख लगती रही, वो साइकोलॉजिकल भूख हो या जो भी हो, तो फिर सर ने कहा कि कुछ दिन जो है ये करके देख लो, यानी खीरा टमाटर खा लो, वो फ्रूट भी छोड़ दो तो माइट बी वर्क, तो एक्सपीरियंस चल रहे हैं न्यू इसके कारण। ओके बट सर इसमें कभी कभार पपाया या कोई फ्रूट खाना हो तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बॉडी की केमिस्ट्री है ना बिल्कुल अजीबोगरीब है, जब मैं काफी फ्रूट खाता था तीनों चारों टाइम अलग अलग टाइम पे, तो मेरा वेट ऑलमोस्ट ऑन द एवरेज में कर रहा था 500-600 ग्राम कम हो जाता था। अब मैंने सेकेंड ऑफ दिस मंथ से बिल्कुल डाइट मेरी बंद है, न के बराबर में ले रहा हूँ पर 1 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ, मैंने सोचा कम हो गया 1 किलो, कल मैं कह रहा था दोबारा देखा तो दोबारा बढ़ गया वो, तो वो कांस्टेंट तो वही मेरा वेट हाँ रुक गया, मतलब ये खीरा इतना तो जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा बट मेरा वेट करीब करीब 10 दिन से रुका हुआ है, 76-77 पे आके रुक गया, मेरा 85 पे आके रुक गया। सर मुझे तो उल्टा वेट ऑब्टेन करना है बट मेरा वेट तो फिर भी और कम हो रहा है, मेरा आज 35.5 वेट हो गया। कोई बात नहीं, सब लोग अपने एक्चुअल वेट पे आ जाएंगे, जिसको कम करना है उसका कम हो जाएगा, जिसको बढ़ाना है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे, बॉडी डिसाइड कर रही है कि उसको कम करना है या ज्यादा करना है, हम ना तो कम खा रहे ना कोई उसके लिए आर्टिफिशियल एक्सरसाइज कर रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो ये हीलिंग का पार्ट है, कम होना या ज्यादा होना हमारी आवश्यकता के अनुसार होगा, हमारे मन के अनुसार नहीं, हमारी बॉडी की आवश्यकता, इसलिए कोई टेंशन मत लो। गौरव जी मैं भी कटी टमाटर खाऊं? नहीं नहीं आप फ्रूटी खाइए, खाली फ्रूटी खाऊं, स्पेशल जो है उत्कर्ष जी को जो है प्रिविलेज दिया गया है। सर कल मेरा भी शुगर ज्यादा आया था, 170 आया था, कोई बात ज्यादा नहीं है, 170 नहीं है मैडम, 170 इज ओके ओके, क्योंकि मैंने आज तक कभी दवाई नहीं ली है शुगर की। आप तो मीठे मीठे आम खाओ, सीजन चला जाएगा फिर आपको आम की याद आएगी। अभी नहीं खाती हूँ आम, अभी अच्छा नहीं आता, अभी सीजन थोड़ी गया, नहीं अच्छा नहीं लगता है अभी आम मुझे। अभी कब से कंटिन्यू है आपका? इनका कहाँ कंटिन्यू, ये तो जो है वही पूछो लास्ट नहीं बहुत दिन में खा रही है, इनका दो दो दिन में ब्रेक होता है ना, बदल गया है, दो दो दिन में ब्रेक होता है, अब ये गोलगप्पे बनाती है और खाती है, ये यहां नहीं नहीं कुछ नहीं खाती अभी, 100 घंटे वाटर फास्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इनसे जो है आराम से बात करो। नहीं नहीं हां 108 घंटे सर, 108 घंटे वाटर फास्ट, यस यस, ओह माय गॉड, मेरे से तो 24 आवर्स नहीं हुआ, अभी 7 दिन करने का है, एक बार कभी मौका मिलेगा। इनसे ऊपर वाले भी हैं यहाँ पे, अभी ऊपर वाला कौन है? अभी अमन जी हैं, ये 7 दिन मेरे शुरू शुरू में 3 दिन हुआ था बट अभी आप जब कह रहे हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है।
कोई बात नहीं, मतलब ये लोग आपसे ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं वाटर फास्टिंग। मुझे तो ऐसा लगता है वाटर फास्टिंग ज्यादा बेस्ट है, they are leading the group. ऊब जाते हैं ना कोई भी चीज से, ऊब जाते हैं। मुझे ओमिक्रॉन हुआ था तो अपने मैंने डॉक्टर के एडवाइस पे करीब 5 दिन वाटर फास्टिंग की थी तो ठीक हो गया, कोई टेबलेट वगैरह कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पैरासिटामोल भी नहीं लिया और मैं गया भी नहीं किसी वो चेकअप वगैरह के लिए, पर शूटिंग पेन जरूर हुआ था एब्डोमेन में और उसके मेजर सिम्टम था अनबियरेबल पेन, पर वो पांव की अपने आप ठीक हो गया। अभी अपने पास एक थोड़ा सा कैंडिडेट ऐसा भी है जो वाटर फास्ट पे अभी है। कौन? रितु जी। रितु जी आपका उस समय बंद हो गया था, अभी आप हो? हाँ जी सर। हाँ जी रितु मोदी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं हूँ अभिषेक मोदी। हाँ हाँ बताइए, आप आपकी बात बीच में कट गई थी ना, आपको कुछ कहना है अभी? हेलो। हाँ आपका क्या चल रहा है? हाँ वही, आज फोर्थ डे भी हो गया है कंप्लीट ना वाटर फास्टिंग का। हाँ। तो आज मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जैसे कल मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा था, बट आज सवेरे से जब से उठी हूँ ना तब से मुझे आज ज्यादा लग रहा है, मतलब फीवरिश टाइप का लग रहा है और बहुत ही एक्सट्रीम वीकनेस लग रहा है और पेट में जैसे मुझे पूरे टाइम वॉमिटिंग सेंसेशन लग रहा है, वॉमिट हो नहीं रहा है बट सेंसेशन लग रहा है वॉमिट। देखो फीवर भी डिटॉक्स सिम्टम है, वोमिट की सेंसेशन भी डिटॉक्स सिम्टम है, तो अभी भी आपका मैटर जो है ना कंप्लीट नहीं है। जैसे ये नहीं हुआ है कि भूख लगना, भूख नहीं लग रही है, वोमिट जैसा लग रहा है, मतलब कुछ अभी बाहर निकलने की स्थिति है बॉडी, अभी कुछ खाने के लिए तैयार नहीं, वैसे इश्यू हो रहा है। अच्छा, बॉडी अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। जी जी सर। देखो अभी अमन जी भी लाइन पे जिन्होंने 7 दिन किया है और इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी आंखों में, वो बिल्कुल क्लियर करके बैठी हुई है, इनसे भी आप बात करो तो आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। आप ऐसा नहीं, 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 नहीं सर मैं हिम्मत नहीं आ रही, बस वो थोड़ा सा क्या है ना बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैं बिल्कुल तोड़ नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है आपने मुझे कल ही समझाया था कि ये लेवल आपको क्रॉस करना है, तो मेरे को वो फीवर जो है अंदर वो डाल के चले के लिए आया है। फीवर जो है अभी यदि आपको लग रहा है ना फीवरिश, तो दैट इज अ हेल्प। जी जी, यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरे ना कान में ना वो प्रेशर टाइप का होता है, सुबह से बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा है लेफ्ट कान में ही और वही लेफ्ट हेड में, वो जो लेफ्ट का ही मेरे को प्रॉब्लम होता है, तो आज बड़ा प्रेशर टाइप का हो रहा था, बीच बीच में जैसे सुनाई देना बंद हो गया, बहुत जोर से घंटी बजती है कान में, नहीं वैसा हो रहा था। और दूसरा कि आज पूरी बॉडी में मेरे को एसिड बहुत बन रहा है, मींस अपर पार्ट बॉडी जो हमेशा से होती है एसिड बन रहा है, तो अभी जैसे मैंने अभी पूरा सुन रही थी तो किसी ने आपने बताया था कि जैसे कैंसर सेल को क्या पसंद है, एसिड पसंद है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मेरे को तो कितने दिनों से एसिड चल रहा है, मैं तो हर वक्त आपको यही चीज बोलती हूँ कि मेरे को एसिड बड़ा बनता रहता है, तो मेरे दिमाग में भी जस्ट ये। एक दिन और कंटिन्यू करो आप, यहाँ से आपको एक एक दिन आपको 10-10 दिन आगे 20-20 दिन आगे लेके जाएगा, मतलब ये अभी आपका टास्क कंप्लीट हुआ नहीं है, ट्राई टू कंप्लीट दिस टास्क। जी सर, कल तक 3 बजे तक इसको कंटिन्यू करो आप। जी जी सर, बस ये है कि अभी उठने बैठने का ताकत ही नहीं है, पानी के लिए भी बोलना पड़ रहा है। आप लेटे रहो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर ये वॉमिटिंग सेंसेशन से खाली मुझे तकलीफ हो रहा है, बाकी हेडेक हो बदन टूटे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। वॉमिट यदि आ भी जाएगी तो अच्छा है, चाहती हूँ लेकिन आ नहीं रही ना, उससे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। हाँ लेकिन वो जब उसको आना होगा तभी आएगी ना, जब वो तैयार हो जाएगा निकलने के लिए। अच्छा, या तो वो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा, कुछ सामान अंदर फंसा हुआ है जिसको बाहर निकलना है। जी
आप रेस्ट करते रहो, बॉडी उसको प्रिपेयर कर रही है बाहर निकालने के लिए। जी सिर्फ पानी पीने के लिए भी सर वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, बहुत जबरदस्ती का पीना पड़ रहा है। पीते रहो आप, वॉमिट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था आपका, वो आरओ के पानी को लेकर आपने जो बताए हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो जो टैप वाटर है वो 700 TDS का है, तो जैसे हमको यहाँ पे बोलते कि ये बहुत ही ज्यादा TDS है इसमें, तो इससे क्या होता है किडनी में प्रॉब्लम होता है? कुछ नहीं होगा। तो नहीं होगा, पहले जमाने में किसी की किडनी खराब ही नहीं होती। नहीं ये मैंने पूछा अपना, मेरी लॉस में क्वेश्चन किया कि पहले तो नहीं होता था, तो उनका कहना था कि भाई पहले जो है लोगों की हेल्थ वैसी स्ट्रांग रहती थी, हार्डवर्क रहता था, तो उसमें इतना असर नहीं पड़ता था। आज की डेट में हार्डवर्क नहीं हो रहा है और हेल्थ वैसे डिटोरिएट हो रही है। आरओ से पीने, आरओ तो जब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने ही मना किया हुआ है कि आरओ का पानी मत पीना, तो जो आपके रिश्तेदार हैं वो कहाँ से पढ़ के ज्ञान दे। आप गूगल पे डालो आरओ WHO, या मैं आपको शेयर करूं। अच्छा तो सर सॉरी टू डिस्टर्ब, तो सर अगर जैसे हम सर अगर पानी मटकी में रखें या कॉपर में रखें तो बेटर नहीं होगा? नहीं रखो, आप मटके में रख सकते हो, कॉपर में क्यों रखना? बोलते हैं ना सर कॉपर में पानी रख के पीना चाहिए, सांस की क्यों नहीं? क्यों पता नहीं सर, हर जगह पढ़ा है सुना है कि तांबे में रखा हुआ पानी अच्छा होता है पीने के लिए, या फिर चांदी में सिल्वर में रखा हुआ पानी अच्छा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। आई नो इट्स नॉट गुड। अब वो चांदी का बर्फ भी तो खाते थे पहले मिठाई पे लगा के, वो भी तो अच्छा होता है। नहीं सर वो जस्ट उसका जो बनने का प्रोसेस था वो दैट्स वाज नॉट गुड सर। प्रोसेस को छोड़ो, मेटल खाने के लिए भी बॉडी डिजाइन नहीं हो पाई है, उतनी इवॉल्व नहीं हुई। ओके तो सर हम लोग जैसे जो नॉर्मल जो टैप वाटर आता है, जैसे सर मैं क्या करती हूँ आरओ का पानी को ये मटकी में भर के रख देती हूँ, काफी बड़ा है, एंड देन वी यूज इट। तो सर टैप वाटर अगर ज्यादा हार्ड नहीं है तो फिर ऐसे कर सकते हैं? ये तो आरओ कंपनी बता रही है ना कि हार्ड है या नहीं है, आपको कैसे पता लगता है? एक्चुअली सर हमारे यहाँ पे जो पानी आता है वो इतना हार्ड है कि मतलब उसमें ना दाल भी नहीं उबलता है। और अगर जब हाँ सर कलकत्ता में जिस तरफ रहते हैं, इनफैक्ट सर जब हम लोग पानी को बॉईल करते हैं ना तो वो जो बर्तन रहता है स्टील वाला उस पे चारों तरफ एक लेयर जम जाती है जो काफी हार्ड होता है, उसको रिमूव करना फिर मलने से तो टैप में जो पानी आता है। कोई बात नहीं, आप वही पानी पियो, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम बैठे हैं। सर एक और एक चीज था, जैसे कि उसमें इतने सारे फिल्टर्स होते हैं सेडिमेंटरी कार्बन और आरओ का, तो मान लीजिए अगर हम लोग आरओ का फिल्टर निकाल के बाकी सब फिल्टर रखे रहे तो उससे कुछ सॉल्यूशन है कि वो भी नहीं? क्योंकि मुझे ये ऑप्शन दिया गया था। बॉडी के खुद के फिल्टर्स होते हैं तो वो फिल्टर केमिकल को नहीं निकाल पाते, प्रकृति में जो चीजें मिलती है उसको निकाल पाते हैं। हम प्लास्टिक खा के नहीं उसको साफ कर सकते, बॉडी को जितना रह सकते क्या प्लास्टिक खा के? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते उसको? प्लास्टिक का तो सुना है मैंने कि प्लास्टिक फिल्टर है वो उसमें प्लास्टिक है। जी सर वो ब्रेक हो गया था, सॉरी। फिल्टर में प्लास्टिक है? आरओ ही पूरा प्लास्टिक है। आरओ ही पूरा प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक में एक एलिमेंट होता है बाइसिफिनॉल ए, BPA, वो पानी में जाता है, पानी में लीच होता है, फिर ब्लड में भी मिलता है। तो सर कई जो प्लास्टिक की बॉटल्स जैसे कपड़े वगैरह कहीं लिखा रहता है कि BPA फ्री, तो सर तो फिर तो उनमें भी उनमें पानी पी सकते हैं? उसमें BPA नहीं होगा, TPA होगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल तो प्लास्टिक नुकसान कर रहा है ना, खा सकते हो क्या? सर इसका मतलब कि सर हम लोग को प्लास्टिक का बॉटल डिस्कार्ड करके जो स्टील के बॉटल्स होते हैं वी शुड यूज दैट। हां बिल्कुल, बिकॉज़
क्योंकि सर कांच का तो क्या ब्रेकेबल होता है तो कैरी करने में दिक्कत रहता है, बट इसका मतलब द बेस्ट बॉटल टू यूज स्टील वाला ही है। बिल्कुल सर, जैसे मैं मटके में पानी डालती थी, जैसे आपने बताया था कि इससे पहले हम लोग वही करते थे, मटके में पानी डाल के रखते थे, तो मटके का अंदर जब पानी डालती थी मटके के बाहर पूरा वाइट वाइट, और मटके की मिट्टी जो है वो टूट के, मतलब मटका मेरा साइड से पूरा टूट रहा है और उसकी मिट्टी जो है पानी में मिक्स हो जाती है, इतना हार्ड है। स्टिल जो है ना, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, क्लीन कर सकती है, जो उसमें से लेना है वो ले सकती है, जो छोड़ना है छोड़ सकती है, क्योंकि वो नेचर ने बनाया है हार्ड वाटर जो है। तो आप कह रहे हैं ना हार्ड वाटर, कैसे समझते हैं सर? पीने के बाद थोड़ा ड्राई फील होता है, कुछ पानी जो हम लोग बिस्लेरी की 60 लीटर की कैन मंगवाते हैं, जब हम वो पानी पीते हैं तो हमें गले में थोड़ा ड्राई फील होने लगता है, क्या फिर वो हार्ड वाटर है? नहीं, बिस्लेरी वाला हार्ड वाटर थोड़ी है। अच्छा सर, क्योंकि जो अभी पानी आ रहा है नल में भी हमारे यहाँ, तो सर वो कुएं और सरकारी पानी का मिक्सचर आता है, उसमें काफी स्मेल, और यहाँ जो भी चीज आती है, आपके यहाँ जो भी चीज आती है उसको आप जैसे भी क्लीन करो, आरो या कोई केमिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ये मानते हैं कि केमिकल से कीटाणु मर जाते हैं और पानी में कीटाणु है तो हम भी कीटाणु हैं। यदि हम मानते हैं कि जो है कछुआ छाप जलाने से मच्छर भाग जाते हैं क्योंकि कछुआ छाप में जहर है, तो वो जहर हमारे अंदर भी जा रहा है। हम मच्छर काटे या नहीं काटे, कछुआ छाप जलाओगे तो आपका मरना तय है। मच्छर तो हो सकता है आपकी गंदगी बाहर निकालने के लिए आया, लेकिन जो आप गुड नाइट जलाते हो, कछुआ छाप जलाते हो या कोई आरो यूज करते हो, कोई केमिकल डालते हो पानी में साफ करने के लिए, उस केमिकल की कोई दवाई नहीं है बॉडी के पास, उसका कोई फिल्टर नहीं है। नमक जो पानी के अंदर जो भी मिनरल्स आ रहे हैं उसका फिल्टर है। मतलब सर जो चीज नेचुरली अकरिंग है हमारे पास अपनी बॉडी में उसका फिल्ट्रेशन है, पर जो चीज मैन जो चीज मतलब इंसान जिसको कंटामिनेट कर चुका है उसको हमारी बॉडी नहीं क्लीन कर पाती है, नहीं कर सकती ना। सर मैं एक ये पानी वाले इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, तो बेसिकली मैं दुबई में रहती हूँ और यहाँ पे डीसैलिनेशन होता है पानी का और वही आता है, मतलब सॉल्ट वाटर से ही ड्रिंकेबल वाटर बना रहे हैं। सो इस सिनेरियो में एंड ऑब्वियसली उसके लिए इट गोज थ्रू द प्रोसेस आउट ऑफ प्लांट्स, कुछ भी नेचुरल नहीं है वो, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? किसी भी सिनेरियो में जो भी पानी अपने को अवेलेबल है उसको फर्दर कंटेमिनेट अपने घर पे बैठ के नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात ये हो रही है भाई, ठीक है जो भी पानी आपको अवेलेबल है, अब आप उसको अपने घर पे उसको खराब कर रहे हो, उसको खराब मत करो। ठीक है सर। तो सर जैसे मैंने एक बार वाटर फास्ट ट्राई किया है, 3 डे वाटर फास्ट किया था, बट उसमें मैंने पर डे एक या दो कोकोनट वाटर पी लिया था, डिपेंडिंग अपॉन जब मेरे को लगा कि कुछ सॉल्ट या मिनरल्स चाहिए। तो इज इट ओके कि वाटर फास्ट में हम कोकोनट वाटर भी इंक्लूड कर दें बीच में या नहीं? फास्टिंग मतलब होता है कि हमारे बॉडी के लिए डाइजेशन के लिए कुछ नहीं है। करेक्ट, हाँ। उस वर्ड को हम बोलते हैं फास्टिंग। जो कोकोनट वाटर है वो तो इतना सुपर फूड है कि उसको खा के आप 100 किलोमीटर पी के दौड़ सकते हो, कोई उसमें कोई कुछ खाने की जरूरत नहीं। Got it. तो उसमें कोई फास्टिंग वर्ड का यूज आप नहीं कर सकते। ठीक ठीक ओके सर। कोमल यू आर फ्रॉम दुबई? या आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई एम लिविंग इन दुबई। आई एम आल्सो लिविंग इन दुबई। जैसे अभी बॉडी में पूरी तरह से मेरे को एसिड जैसा या जलन जैसा हो रहा है, तो उसके लिए क्या मतलब बेचैनी हो रही है बड़ी,
कि वॉमिटिंग सेंसेशन भी है प्लस बॉडी में पूरी जलन हो रखी है, मीन्स हाथों में, राइट हैंड में और चेस्ट में, पेट में अजीब सा हो रखा है। तो पानी पीने का थोड़ा मन भी नहीं हो रहा है लेकिन पी रही हूँ जबरदस्ती जो चल रहा है। तो आज तो 3 लीटर भी नहीं हुआ अभी तक। कोई बात नहीं, पानी की क्वांटिटी कोई मैटर ज्यादा नहीं है, यदि थोड़ा कम भी पी लोगे तो चलेगा। अच्छा, तो फिर वो जलन बहुत हो जाती है फिर पूरे बॉडी में? सबको होती है, जितने भी लोग, जैसे यहाँ पे एक स्टेज जब ठीक होने की आती है ना, एक्सट्रीम स्टेज जो आती है, उसमें सबको ये सारा चीज फेस करनी पड़ती है। अच्छा, ये टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे विनोद जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछो, अमन जी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सब लोगों को ये स्थिति, नींद भी डिस्टर्ब हो गया। हेलो, मेरा क्या ना नींद भी डिस्टर्ब हो गया, जैसे पहले मैं आपसे बताई थी ना नींद बराबर हो रहा था, उसके बाद से फिर नींद डिस्टर्ब हो गया, तो पूरे टाइम मेरे को बड़ा उलझन हुआ रहता है। ठीक है ना, आपकी बॉडी में जो है कुछ चल रहा है ना। अच्छा, आपको वहां पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है जी। ये तो आप ही को ट्रस्ट करना पड़ेगा और इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आपको ही मिलने वाला है। यदि आप 10 चीजें नेगेटिव ढूंढोगे कि भाई मुझे एसिड बन गया, उल्टी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, केवल वो चीजें फाइंड आउट करोगे आप। आपने कभी इस डिस्कशन में ये नहीं बोला कि मुझे ये चीज अच्छी हो गई पानी पीने से। जो पॉजिटिव एफर्मेशन है आपके 0 है और नेगेटिव एफर्मेशन बहुत सारे हैं, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी वो आपकी हीलिंग को डिले करेगी जी। तो वहां भी थोड़ा सा काम आपको करने की जरूरत है। ये जी जी, यही पॉइंट से अभिषेक जी से आज मीटिंग शुरू हुई थी जी जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की आपको जरूरत है। आप पानी पी रहे हो ना, इसका मतलब आपको विश्वास तो है ही जी। तो विश्वास जो है अच्छे से कर लो इसको आप जी। बिल्कुल, बस मेरे को ना वो एसिड का ही जो रहता है ना वही मेरे मन में एंजाइटी देता है। मेन प्रॉब्लम है वो यहीं से सॉर्ट होगी यहाँ पे। अब आज यदि, कल यदि, परसों यदि एसिड खत्म हो जाएगा ना, तो ये लाइफ टाइम के लिए खत्म होने वाला है। ये आपकी जो एंड गेम पिक्चर आई थी ना, तो ये एंड गेम चल रहा है। यहाँ से एवेंजर्स जो है जीतने वाले हैं, मैटर निबटने वाला है थैनोस का। तो यहाँ पे जी सर, एक मिनट ब्रेक हो गया आपका वॉइस, एक मिनट फिर से रिपीट करेंगे, एक बार ब्रेक हो गया। यहाँ ये आपका बिल्कुल फाइनल स्टेज चल रहा है, यहाँ से आपकी जीत बिल्कुल पक्की जीत होगी जी। यहाँ हार मानने की जरूरत नहीं है आपको। जी जी, ट्रस्ट के साथ आराम करो, लेटे रहो, आंख खोलने की भी जरूरत नहीं। पूरी बॉडी को फुल एनर्जी जो है हीलिंग में जाने दो, सोचने की भी जरूरत नहीं, आंख खोलने की भी जरूरत नहीं, लेटे रहो आप जी। अभी वैसे ही करते हैं, अब थोड़ा सा थोड़ा पॉजिटिविटी लगा मन में, क्योंकि बार बार फिर वो मन में वही चलता रहता है कि एसिड बन रहा है, पूरे बॉडी में जलन हो रही है, हाथ में जलन हो रही है। मान लो कि वो ठीक हो रही है, चीजें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, जो चीजें आपको सालों से परेशान कर रही हैं, वो सब बाहर आना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, वो आपको छोड़ना चाहती हैं। अच्छा, उनको जाने दो अब जी सर। ठीक है, फिर मैं अपना कंटिन्यू रख, जैसे आपने बताया कल भी फिर रिपोर्ट करेंगे फिर कल। जी सर, ठीक है, ठीक है। हेलो सर, मेरा सर 4-5 दिन हो गए सर, वो छाले सही नहीं हुए अभी तक। कोई बात नहीं, छाले सही नहीं हो तो फिर उसका इलाज यही है कि पानी पे आ जाओ। सर वजन भी काफी गिर गया है। वजन की चिंता नहीं करो। कितना वजन है आपका? 58 हो गया है सर।
66 पे था मैं, 58 हो गया। हाइट कितनी है? 5'8" है मेरी। मेरे बेटे की हाइट है 5'10", उसका वजन 55 किलो ही है। 55 किलो मात्र? यस। उस हिसाब से सब ठीक है मेरा। आपसे ज्यादा है आपका। फिर कितना होना चाहिए फिर वजन मेरा? 55 पे तो आ जाओ। ठीक है सर। मैं 3 दिन से सर गोली नहीं ली मैंने। हाँ जी। 3 दिन से गोली नहीं ले रहा हूँ मैं। केवल 3 ही दिन से नहीं ले रहे ना? हाँ। कोई बात नहीं। आप छाला, यदि छाले पे अटैक करना है तो पानी पे आ जाओ। यदि आपको ऐसे ही चलना है थोड़े देर तो भी छाला ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे चलते हो। दोनों चीजें हैं, धीरे धीरे भी चल सकते हो, अटैकिंग मोड पे भी आ सकते हो। नहीं, अटैकिंग मोड पे नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, धीरे धीरे चलो आप। कभी सर पेट में थोड़ा थोड़ा करंट सा भी मारता है मेरे को। हाँ तो ठीक है, आप स्लोली स्लोली चलते रहो। हाँ ठीक है, निकल जाएगा आपका छाला। ठीक है ठीक है ठीक है। सर। सुरेश जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, मेरा एक फ्रेंड है, वो बात करना चाहता सर आप। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे? मेरे ना बहुत गोड़ों में बहुत दर्द होता है, जैसे मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो खड़ा नहीं हो पाता एकदम से। कोई बात नहीं, खाना खाने के लिए बैठना बंद कर दो आप। नहीं नहीं, अब जैसे खड़ा रहता हूँ ना मैं थोड़ी देर, कोई काम करने के लिए खड़ा रहता हूँ तो दर्द होने लगता है। कितने साल के हो आप? हम 13 साल के। 13 साल के हो आप? अभी से ही आप परेशान जी? नहीं, खाने में बदलाव लाओ। क्या बदलना है सुरेश जी बता रहे? हाँ जी, 10 दिन करके देखो। हाँ जी, हाँ जी, 10 दिन करके देखो, देखो क्या असर आता है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, ये असर अकेला ना। ठीक है। कोमल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, आपने ये जो उत्कर्ष जी को जो बताया है डायबिटीज, उनकी जैसे वो एक स्टेज पे रुक गई है, वैसे मेरी भी रुक गई है सर। तो खीरा और ये टमाटर मैं भी खाना शुरू कर दूं क्या? मेरी भी हिली नहीं रही, नीचे तो आई नहीं रही, एक ही जगह पर रुक गई है इतने फल खाने के बाद। वजन तो घट रहा है ना आपका धीरे धीरे कि नहीं घट? हाँ, वो वजन कम हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं हुआ, तो 3 किलो ही हुए सर। आपकी बर्थडे कब है? अभी तो टाइम है सर, लेकिन 29 डेज हो गए हैं, उसमें तो सिर्फ 3 किलो तो कुछ ज्यादा नहीं है ना। कोई बात नहीं, उत्कर्ष जी का कमिटमेंट अलग है, उनका लेवल अलग है, उनकी लाइफ अलग है। यस यस, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन ये जो सॉल्ट की कभी कभी बहुत क्रेविंग हो जाती है उसमें। उत्कर्ष जी को कुछ नहीं होता? नहीं, मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है। यदि हम ये भी मान लेंगे ना कि ठीक है आप फल खाना बंद कर दो और खीरे टमाटर पे उत्कर्ष जी की तरह आ जाओ, वो भी नहीं होएगा। एक दिन तो बहुत हो जाएगा। फायदा क्या? एक दिन से ज्यादा नहीं होएगा, तो होगा नहीं ना कुछ भी। उसको मैंने एक महीना खीरा खाना तो एक महीना खीरा ही खाएगा। ना ना सर, इससे तो अच्छा है कि मैं फल अलग अलग किस्म के फल खा सकती हूँ। तो बस आप अपने हिसाब से चलो ना। ओके ओके सर, आज तो बहुत भूख भी लगी थी, 2 दिन से नहीं खाया था क्योंकि संडे का पेट बहुत भरा। यहाँ पे हर आदमी का कमिटमेंट लेवल अलग अलग है। या सर, यहाँ कुछ लोग संडे को इतना खा लिया था, अभी 2 दिन तो एकदम ही मन ही नहीं था। कुछ लोग दवाई खाते हैं, कुछ लोग मेडिसिन ही खा रहे हैं, है ना। तो अलग अलग, उनसे तो बेहतर है हम सर, उनसे बेटर हम लोग तो फल कर रहे हैं। हाँ। बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। और
ये ग्रुप में तो कनेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं सब जगह से। दुबई के ही कई लोग मिल जाएंगे। हाँ, एक मुझे तो मिल गया कुछ बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। अंजना जी आप बताइए। आप सर, मेरा आपको मतलब परसों जब मैंने फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया था तो मैंने बताया था कि मेरा यहाँ पे काफी इन्फेक्शन हो रखा है, तो पूरा चेहरा इधर से फूल रखा है। तब आपने कहा था कि वाटर फास्ट करना, तो परसों तो नहीं किया था पर कल मैं पूरा दिन वाटर फास्ट पे थी। अभी तक वाटर फास्ट पे हूँ तो पहले से स्वेलिंग काफी कम है, तो अभी मैं इसको दो तीन दिन कंटिन्यू रखती हूँ, उसके बाद फिर फ्रूट डाइट जैसे आप सजेस्ट करेंगे। आई हैवंट स्टार्टेड एनीथिंग येट। बहुत बढ़िया, करते रहो आप। अच्छा सर, एक चीज पूछना था सर, क्या पानी में ये जैसे तुलसी पत्ता या रोज पेटल्स डाल सकते हैं टू फ्लेवर द वाटर? नो, थैंक यू सर। ठीक है, अब किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, कल का रिकॉर्डिंग नहीं है आया वो टेलीग्राम में। ठीक है, अब नहीं डालते अब। कल वो किसी वजह से वो दो पार्ट में वीडियो ब्रेक हो गई थी और वो वीडियो ज्वाइन नहीं हो सकती है अब, या तो वो दो रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेंगी मुझे कल की, फिर भी मैं देखता हूँ उसका क्या। सर एक जनरल क्वेश्चन है सर थोड़ा। हाँ जी बताइए। हाँ, ये जैसे मेरी हिस्ट्री सर्वाइकल की भी है, ये तो बताने स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है, पिलो के लिए क्या रिकमेंडेशन है? मतलब पिलो नहीं लगाना चाहिए अपने। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए सर। बिल्कुल नहीं। और मुझे क्या सर, नींद आती है काफी गहरी नींद आती है जब बीच में खुलती है, जैसे कल रात को 12:30-1 बजे करीब थोड़ा सा वोमिटिंग नॉस्टिटिक फीलिंग होती थी, जैसे आएगी पर आती नहीं है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद सर्वाइकल की वजह से होती हो, पर ऐसा नहीं है। पर मैं अभी सोच रहा हूँ मैं पिलो बिल्कुल ही बंद कर दूं। पिलो बंद कर दो आप जी। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी शुरू में, बाद में आदत पड़ जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं लगाता है, वो शुरू से नहीं लगाता है पिलो। हाइट उसकी काफी है, उसको पता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है जो पापा को और ये मम्मी को भी हो रही है, तो वो लगाता ही नहीं पिलो। हमारे घर में कोई भी नहीं पिलो का कोई चक्कर नहीं जी। पिलो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो उससे थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है जी, बिगड़ने से प्रॉब्लम आती है। करेक्ट। ठीक है गौरव सर, एक वाटर फास्ट पे एक क्वेश्चन है, ये मतलब ये कब खुद से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कब वाटर फास्ट करें, स्टार्ट करें या छोड़ें, किस सिनेरियो में करना चाहिए ओवर फ्रूट? जब भूख ना लगे। हाँ जी। जब बुखार आ जाए। ओके। जब उल्टी हो जाए, जब दस्त लग जाए, या जब ऐसी कोई चीज हो जाए, पेन हो जाए, कोई दांत में दर्द हो जाए, मुंह में छाले हो जाए, गले में कुछ हो जाए। ठीक है तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्वियस सिम्टम्स जब दिखते हैं कि टॉक्सिन्स रिलीज करना चाह रही है बॉडी, तो पानी पियो। बॉडी कहीं ना कहीं सिग्नल यही दे रही है कि खाना नहीं है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके गुरुजी? नमस्ते। अच्छा, मेरी तबीयत तो काफी अच्छी लग रही है, पेट में भी बहुत बढ़िया अच्छा लग रहे हैं। मेरा बीपी आज 105/70 है। बहुत बढ़िया है। मेरे को जानना था कि ग्रीन टी पी सकते हैं क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं, कारण वजह कुछ? कैफीन होता है उसके अंदर। हाँ, इस वजह से। अच्छा, नहीं जो केला खा रहा हूँ तो केला में वो जो मिक्सर में घुमा के मैं खा सकता हूँ क्या?
वो खा सकते हैं, खा सकते हैं, केले को ग्राइंड करके पानी मिला के पी सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो पानी मिला के ही पूछ रहा था, मिला के खा सकते हैं ना। मेरे पास में एक्सरसाइज साइकिल है, तो साइकिलिंग अभी मैं करूँ क्या? जरूरत नहीं है, नहीं थोड़ा क्या वो शरीर में भी थोड़ा बदलाव आ जाए, थोड़ा चलने फिरने में घूमने में भी थोड़ा अच्छा रहे, एक्सरसाइज भी हो जाती है। ऐसा तो मैं फुल डे काम भी करता है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को अभी। यदि आपको बॉडी से यदि ऐसा लग रहा है एक्सरसाइज करने का तो आप कर सकते हो, यदि दिमाग से लग रहा है तो नहीं करना। ऐसा तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है अभी तो। यदि ऐसा भी थोड़ा यदि कह रहा है कि एक्सरसाइज करना चाहिए तो बिल्कुल मत करना। अच्छा अच्छा, बॉडी यदि कह रही है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं सर, मैं मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कि थोड़ा अच्छा लगे, पाँव अपना ये चेंज हो जाता है, छुट्टा हो जाता है बैठे बैठे रहने से, घर में रहने से थोड़ा ऐसा लगता है कि बाबा वॉकिंग भी थोड़ा राउंड मार के आ जाइए। अच्छा अच्छा, वंदा नहीं ना अभी, ऐसा तो काफी अच्छा है मेरे को लग रहा है। मेरे को तो क्या चप्पल बिना तो मेरे को जमता ही नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा स्टेप चल भी नहीं सकते, वो क्या चलने को दिक्कत आ जाती, लगता रहता है ऐसा। तो बढ़िया है। ऐसा मैं अभी वो जीना चढ़ने का चालू करूँ क्या? जीना चढ़ना कुछ नेचुरल थोड़ी है। नहीं वो थोड़ा ये क्या है एक्सरसाइज को ये प्रॉब्लम अच्छा रहे मेरे को, कहता घुटने में प्रॉब्लम आता है कि मैं घुटने में फीचर आपकी बॉडी हीलिंग स्टेज में है, उसको एनर्जी चाहिए हील होने के लिए। अच्छा ठीक है, महीना दो महीना निकल जाने दो। अच्छा अच्छा, आराम आराम से उसको ताकत बॉडी में अंदर से आने दो। अच्छा, अंदर से जब ताकत फील हो तो खूब एक्सरसाइज करो। नहीं ऐसा तो मेरे को कुछ वीकनेस नहीं, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहेगा, चलो बाबा अपन काम करो, ये बेटर घूमते रहो फिरते रहो, ऐसा ही लगते है क्या, कुछ थकान भी करना ऐसा तो कुछ नहीं लगता मेरे को घूमने फिरने में भी। घूमो कोई कोई मना नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो साइकिलिंग आपको करनी है, साइकिल भी आपको मशीन चलानी है साइकिल की, आपको जीने चढ़ना है, जीने आपको नॉर्मली आपको जाने आने के लिए चढ़ना है तो कोई बात नहीं है। अब मेरे को स्पेशली चढ़ना उतरना है, हाँ वो नहीं करना है। नहीं ठीक है, थैंक यू सर। हमने इनका है ना डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी के पास ट्रीटमेंट कराया था विपिन जी का, तो उसने बोला था 200 सीढ़ी ऊपर चढ़ो सुबह, 200 दोपहर को और 200 शाम को। तो पहले इंसुलिन बहुत लेता था, ये कितना लेता था इंसुलिन? अभी तो बंद है ना उनका इंसुलिन? हाँ इंसुलिन बंद है, अभी तो दवाई भी पूरा बंद कर दिया। हाँ तो अभी वो डॉक्टर तो की बात को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। अच्छा ओके ओके। और वो सर 2-4 दिन नासिक जाएगा, उसका दूसरा घर नासिक में है, फिर वहाँ अकेला रहेगा और फ्रूट खाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा ना? क्या नासिक जाएंगे तो घर में और कोई नहीं होगा, वो अकेला ही होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? ना ना ओके 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 सर रोज आधे घंटे का वॉक तो मैं भी कर लेती हूँ, उसमें आई फील नाइस अबाउट इट, मतलब अच्छा लगता है कि वॉक कर लूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? रात को तो सोने से पहले आधा घंटा आई डू इट, एक तो बहुत अच्छे पुराने गाने आते हैं यहाँ पर, उसे सुनते सुनते आधा घंटा आराम से निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है वॉक करने में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर, बिकॉज आई फील वेरी नाइस एट नाइट और रात को फिर गहरी नींद भी आ जाती है वॉक पे आने से। विपिन जी को मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि उनके दिमाग में पहले से कुछ कॉन्सेप्ट है कि सीढ़ी चढ़ना है राइट या साइकिल चलाना है, साइकिल भी साइकिल नहीं है वो उनकी मशीन है।
राइट, वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, अभी उनकी बॉडी हीलिंग स्टेज में, अभी वो हो सकता है कुछ अपना नी डैमेज कर लें, कुछ कर लें, कोई फायदा नहीं, राइट, तो इसलिए अभी कुछ भी अननेचुरल तो करनी नहीं। वॉकिंग को हम साइकिलिंग से, साइकिल मशीन से कंपेयर नहीं कर सकते। राइट सर, वो भी मशीनरी ही है, उससे चलाते हैं तो वो चलती है, हमें चलाना पड़ती है। वॉकिंग हमारा नेचुरल मूवमेंट है, राइट, वो कोई एक्सरसाइज नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सर।